आज मेरी ऑर्डर का नाम हीरा है। एयर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने पहले से इनका जो है ना प्री लाइटनिंग की हुई है। अब इस प्री लाइटनिंग के बारे में आपको बताऊंगा। प्री लाइटनिंग जो है वो 9 और 8 लेवल की है, क्योंकि क्लाइंट्स को चाहिए, क्लाइंट को मेरी मॉडल को जो मैंने डेमो देखे हैं उसमें 2 शेडेड मुझे दिखाना है, एश लाइट में और एश डीपर में। इसमें माइक्रो लाइट्स की हैं, बेबी लाइट्स की हैं मैंने, और इसमें बालियाज टेक्निक की है मैंने। ये मेरी 4 टेक्निक्स बना के एक मॉडल की अभी प्री लाइटिंग की लुक बनी है। इसमें हम अब ग्लॉस करेंगे। जी बिल्कुल, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जब कैसा एप्लीकेशन स्टार्ट कर देंगे देन वो फ्री होके आपके क्वेश्चनिंग के आंसर भी देते देंगे। तो सो प्लीज जितना आप लोगों ने तहमुल से सब रखा थोड़ा सा और रखे, इंशाल्लाह आपको पूरी टेक्निक देके जाएंगे हम लोग। आपके क्वेश्चन आंसरिंग के लिए मेरे माइक मेरे पास है, लेकिन आपने साइलेंस रखनी है आवाज किसी की। अब ये स्टार्ट कर रहे थे प्लीज। जो भी मेरी टेक्निक होती है, रेडिकल निकाला मैंने सबसे पहले। अच्छा जी, कैसे एप्लीकेशन करने जा रहे हैं तो आपको सीखने एप्लीकेशन से पहले मैं इनको बताना चाह रहा हूँ कि मैं ये जो अभी इनके सामने गार्डन हुआ हुआ है इनका डिजाइन कैसे किया है। थर्टी वॉल्यूम के साथ मैंने रेशो जो है वो 1:1 की रेशो के साथ किया, 1:1.5 की रेशो के साथ भी आप कर सकते हो। आपने इसमें ओला फ्लेक्स यूज़ किया है? जी मैंने किया था। डैंगल बैक मैंने सेक्शन लिए हैं, डैंगल बैक सेक्शन में आपने फिर बैक बॉन टेक्निक कर दिया। बैक बॉन टेक्निक के साथ आपने बहुत ही फाइन सेक्शन ले लिया। जैसे मैं ले रहा हूँ अभी सेक्शन, मैंने ऐसे ही लिया है। बेसिक बता रहे हैं आप, बेसिक जो प्री राइटिंग मैंने की है, जो मैं फाइल्स लगाता हूँ मैं वो आपको तरीका बता रहा हूँ, और बैकग्राउंड का भी मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। आपने यहाँ पे प्री लाइट लगा दिया, जब आप इसको मास्क के साथ आप इसको डिटेंगल करेंगे तो वो आपकी बेस जो अभी आपको फील हो रही है ना, बेस आपको ये बहुत मर्ज बेस के साथ आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि आप बैकग्राउंड टेक्निक करोगे। अगर आप बैकग्राउंड टेक्निक नहीं करेंगे तो वो बहुत मोटे मोटे चांस वो फील होंगे जो कि जहर लगते हैं। आप यहाँ फिर मैं हाई री सेशन तक मैं आप इसी तरह डैंगल बैक लेता हूँ, उसके बाद जहाँ तक स्टॉप करके अगेन यहाँ से मैं दूसरी साइड से भी मैं डैंगल बैक लेता हूँ, फिर मेरे पास ये दोनों सेक्शन आ जाते हैं। क्राउन के क्राउन पे आप डिपेंड करता है, अगर आइए फ्रंट दोनों दो टेक्निक जैसे इसकी हुई हुई है आगे, अब इनका तो शॉर्ट था आगे से तो मैं बहुत ज़्यादा वो थिक सेक्शन ले सकता था, उसमें भी मैंने फाइन किया थोड़ा सा। तो आप फिर हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे और उसको बैकग्राउंड करेंगे, डिपेंड करता है क्लाइंट पे। जो मैं मेथड बता रहा हूँ आपको, जो मैं ये अपना बता रहा हूँ सब कुछ, इसमें डिपेंड करता है 100% क्लाइंट क्या चाह रहा है। अगर क्लाइंट बहुत मच जा रहा है तो बैकग्राउंडिंग आप ज़्यादा करोगे, उस ज़्यादा में भी आप देखोगे कि क्लाइंट की बालों की डेंसिटी कितनी है। अगर बालों की डेंसिटी ज़्यादा है तो उस हिसाब से करोगे, अगर कम है
बाल बेबी बेबी एज रीग्रोथ ज्यादा है कम है उस हिसाब से परफॉर्मेंस होती है। जिन क्लाइंट्स के बाल बहुत स्ट्रेट होते हैं नेचुरली तौर पे जिसकी बाल होते हैं उनकी बैकबोन बहुत मुश्किल से होती है, उनके बेबी एज भी बहुत कम होता है क्योंकि आपकी जो डिजाइन है ये सारा बेबी हेयर्स पे है जो क्लाइंट की रीग्रोथ है। मतलब हम इस बाल को उठा रहे हैं हम क्लाइंट्स को डरा देते हैं कि वो आपका बाल इतना टूट रहता है, उनका ये टूटा बाल ये उनका बेबी हेयर है जो 6 मंथ 4 मंथ 6 मंथ ये वो एज है बाल की। जब आप इसको बैक ऑन करते हो तो आपके पास जो बड़ा बाल है जिसकी उम्र ज़्यादा है एजड बाल है वही बचता है आपके पास। 70 साल में बंदा बहुत कम ही आपको नजर आएगा 80-90 ईयर्स में ना, तो ये समझने 70 साल का बुढ़ा बनता है। हमने इसको टारगेट करना है ना बेबी हेयर से नीचे हो, जब आप इसको ओपन करेंगे तो माइंड में रहे कि जो मैं ओपन करूँ वो मेरी बेस होगी जिसको मैं बिठा रहा हूँ पहले टेक्निक का। जब वो ओपन होती है और इस पर हम जब ग्लॉस करेंगे तो वो फील ही नहीं होता बेस कहाँ से स्टार्ट हो रही है कहाँ खत्म हो रही है, वो एक जादू वाला कलर नजर आता है। इसमें भी क्लाइंट को भी पता होता है, जो मेरे क्लाइंट होता है उनको तो बहुत ही आदत होता है कि आप 1 आवर पहले आपने स्टार्ट किया था जो आज होने लगे हैं बैठ के आप क्या करें। ऑफ कोर्स आपको भी पता है उसमें आप फार्मूला चेंज करते हो, अगर आपने पहले वाला 30 से बनाया है तो जब आप 1 आवर के बाद एक और बाउल बना रहे हो मिक्सचर बना रहे हो तो आपको फिर आप वो 40 के साथ बनाओगे ताकि वो स्पीड पकड़े और आपके फ्रंट वालों के साथ आके मैच करे, वरना तो वो पैच ही होएगा फ्रंट बैक वाले जो आप 1 आवर के बाद पैकेट लगा रहे हो, क्योंकि ये बहुत बारीकी वाला काम है इसमें वो मोटे मोटे चक्स दिखाएंगी तो वो रूटीन नहीं होएगा वो मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि क्लाइंट को फील होना चाहिए बेस भी है टू टोन भी आ रही है डार्क नैश भी नज़र आ रहा है लाइट भी आ रहा है, लेकिन क्लाइंट को किसी बंदे को भी इवन की टेक्नीशियन को भी ये फील ही ना हो कि जहाँ स्टार्ट काम हो रहा है खत्म काम हो रहा है, मज़ा उस काम का मज़ा ये नहीं है कि वो मोटे मोटे आप 15 मिनट में लगते हैं। मैं हर क्लाइंट का सच में इस तरह काम करता हूँ जैसे मैं अपने हेयर के लिए बिठा दूँ टेक्नीशियन स्टाइलर मेरे सीनियर हैं जो मेरा ब्लीच करते हैं मेरा कलर करते हैं, तो मुझे हर क्लाइंट पे ऐसे ही फील होता है जैसे मैं अपने बालों को हाथ लगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कितने इवेंट छोड़ के आई है, मुझे नहीं पता वो कराची से आई है या नेक्स्ट वाले सेक्टर से आई है, मुझे नहीं पता उसकी उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो मे बी अपना स्ट्रेस को नॉर्मल करने के लिए आ रही है किस लिए वो आ रही है, तो मुझे उसे इम्पोर्टेंस देनी है। अगर मैं उसे इम्पोर्टेंस दूंगा जो मैंने सबसे पहले बोला था जो मैं आज खड़ा हूँ मेरी वैल्यू है वो मेरा काम है, क्लाइंट को आप इम्पोर्टेंस देंगे उसको फील करवाएंगे कि अच्छा मतलब उसका टाइम उसका सब कुछ आप उसको जो मेहनत करोगे इंशाल्लाह वो रंग लाएगी, लेकिन उस पर आप मेहनत भी तो करो। बैक पे मैं आपको बता देता हूँ फ्रंट का मैंने बताया था कि मैंने रेडियल लिया था, ये बैक के एरिया बैक के बाद बैक पे आप क्योंकि चाहे सलोन में तो क्लाइंट जो है ना वो आप 2-3 ड्रायर लगा लोगे सेम लगा लोगे सब कुछ, बट आपकी जीत तब है जब क्लाइंट घर में बालों को मेंटेन करे तो उसको लगे कि वाह कलर अच्छा है बाल अच्छे हैं नरम है सॉफ्ट है शाइन आ रही है, और सिपर भी वो भी पाकिस्तानी बालों में जो कि बहुत बड़ा दाम है। मतलब अगेन आप बैक पे भी मैं डेंडल बैक होगा और हेयर लाइन जो है ना आप उसको फोकस करेंगे ज़्यादा, क्योंकि ये जो हेयर लाइन है इसीलिए फ्रंट पे आना है जहाँ से जो बाल होते हैं जब फीमेल आगे रखती है तो ये वाली चीज़ यहाँ आगे होती है, तो आप हेयर लाइन को ज़्यादा फोकस करेंगे और बहुत फाइन लेंगे बैक से। पहले 2 सेक्शन में इसी तरह लूंगा डैंगल बैक फिर मैं हॉरिजॉन्टल लूंगा बैक पे भी, क्योंकि ये वाला बाल नेचुरली तौर पे ये हेयर फॉल कैसे करें क्लास पे प्लीज, आपको वो बड़ी अच्छी टेक्निक बता रहा है कि इन फ्यूचर आपके बिजनेस में काम आए इंशाल्लाह, आप प्लीज फोकस करें। फिर इसी तरह डैंगल बैक और सेंटर में हॉरिजॉन्टल इसी तरह करते मैं पहुंच जाता हूं यहां पे। सिकले का किया था अफकोर्स सिकले का हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं सारी चीज़ कर रहे हैं।
चाहे मेरी क्लाइंट कराची से आई हुई हो, अगर मेरे पास ट्रीटमेंट नहीं है मैं उसके बालों को हाथ नहीं लगाता, क्योंकि मैं अपने पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए और कमाने के लिए, और मैं कहूँगी कराची से आ गई क्लाइंट तो इज्जत का सवाल है, कर दो नहीं, उसको सच बताओ जो भी है, उसके फ्रेंड बन जाओ आप, उसको बताओ ये चीज़ है मेरे पास, ये नहीं है, जो भी उसकी आंखों के सामने करवा, मेरी अक्सर अपॉइंटमेंट्स हुई होती हैं, उनको कैरेटिन करवाना होता है या जो भी, अगर मैं देखता हूँ उनके बाल ऑलरेडी सिल्की बाल हैं, सिल्की बालों में कैरेटिन है तो रिजल्ट ही नहीं लाना, क्योंकि उनका क्यूटिकल नेचुरली तौर पे इतना लॉक और इतना क्लोज है, उस पर कैरेटिन तो बहुत माइल्ड चीज़ है, उसके अंदर क्या जाना है क्या रिजल्ट देना है, तो आप उसको कहें कि अच्छा शैम्पू अच्छी होम केयर रजीन यूज़ करें, आपके बाल वैसे ही अच्छे होंगे, ताकि वो कंप्लेन ना करें, बिकॉज वो क्लाइंट आ जाता है वापस कि वो तो बहुत अच्छे रिजल्ट इतने मिले नहीं, क्योंकि उनके अपने बाल नेचुरली तौर पर इतने अच्छे हैं, उनका क्लाइंट का माइंड लेवल इतना हाई है अपने बालों को रखने के लिए कि वो तो मतलब वो एक्सपेंसिव वाली एक्सपेक्टेशन लेके आ रही है, तो आप उनको बताएंगे वो नहीं मिलेंगे आपको, नहीं मैं नहीं करता, अगर वर्जन एयर है तो आप कर सकते हो, अगर वर्जन एयर नहीं है तो कलर ट्रीटमेंट पे तो सवाल ही नहीं पैदा होगा, इन ट्रीटमेंट्स के अलावा मुझे नहीं पता और ट्रीटमेंट्स होते होंगे बेसिकली ओलाप्लेक्स में जितनी भी कंपनीज हैं वो बना रही हैं कि बॉन्ड ब्लीच ड्यूरिंग ब्लीच, अब तो ब्लीच की ऐसे आ गई है कि ड्यूरिंग ब्लीच वो आपके बालों के बॉन्ड्स को जोड़ के रखते हैं, मतलब जैसे ही आपके कलर को या ब्लीच जो है वो आपके बालों को लाइट कर रही है, लेवल ऊपर जा रहा है, तो बाल अंदर से तोड़ फोड़ का शिकार होगा, तो आपकी जो बालों के बॉन्ड्स हैं उनको वो ट्रीटमेंट जोड़ के रखते हैं, हर कंपनी में डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं, उनके नाम डिफरेंट होंगे, लेकिन कंपनीज बना रही हैं, बहुत सर्च हो रही है बालों के ऊपर, नए से नए ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं जो होते हैं अच्छे होते हैं बालों के, इसलिए जब आप ऐसे ट्रीटमेंट्स डालते हो तो जहाँ पे आपको 3 आवर्स लगते हैं वहाँ पे आपको 8 आवर्स लगते हैं, जहाँ पे आपको 8 आवर्स लगते हैं वहाँ पे मुझे 2 दिन लगते हैं। मैंने इनको 2 दफा अच्छी तरह जी, आप क्वेश्चन जो है माइक में पूछिए ताकि बाकी को पता लगे क्या क्वेश्चन पूछ रहे क्या आंसर होगा। देखिए ओला ब्लैक्स एक इंटरनेशनल मेरे ख्याल में प्रोडक्ट है, कोई लोकल प्रोडक्ट आप हमें रेकमेंड करिए जो हम यहाँ से परचेज करके यूज कर सके, ये मेरा आपको क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दें। जो भी हम आपके सामने लाइव करेंगे बिल्कुल 1911 समटाइम क्या अक्सर यही होता है कि ऐश बनाना है तो क्या करते हैं, मोस्टली कंपनीज में जो 111 आता है अंदर, मतलब कोड जो है उसके पीछे जो उसका रीज़न है, उसके रीज़न यही है कि वो 111 ऐश का मतलब है, उसमें ब्लू एक्स्ट्रा होता है, ऐश होता है तो ऐश आ जाता है, लेकिन इन बालों के ऊपर कलर जो टेक्निकल जो है ना, ये बहुत आर्ट है, फन है, इसको इन्जॉय करके करना चाहिए, लेकिन समझ और पता भी हो कि हम क्या करने जा रहे हैं, अगर इसके ऊपर डायरेक्ट में 911 डालूंगा क्रॉस करूंगा तो क्या बनेगा, मेटालिक बन जाएगा, मोस्टली तो सबको पता ही होगा, तो येलो और ब्लू जब मिलते हैं तो वो ग्रीन बनता है, तो मोस्टली यही होता है कि मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी आ जाते हैं कि जिन्होंने ऐश चाहिए होता है बट वो मेटालिक करा के आ जाते हैं, कि उन्होंने मेरे सामने ऐश किया था देखिए मेरे बालों में आता नहीं है, तो 911 किसी भी कंपनी का हो तो मोस्टली यही जैसा ही है, तो वो जब आप इन येलो बालों पे डालेंगे तो उसने मेटालिक ही देना है, उसने कभी भी आपको सिल्वर नहीं देना, तो उसके लिए मिक्सिंग चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लाइंट को कहें कि मुझे लुक दिखाएं, मुझे पिक्चर्स दिखाएं, आपको कैसा चाहिए, कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप कहें जी 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 मुझे पता है बैठना है, चाहे आपको 15 साल हो गए 10 साल हो गए, क्लाइंट को सुने कि वो क्या चाह रही है, उसका माइंड क्या है, उसका थीम क्या है, उसको पॉजिटिव पिक्चर्स दिखाएं, लुक्स दिखाएं, मैं दिखाता हूँ
समटाइम ऐसा होता है कि मैं जिसको हम कहते हैं कि डॉक्टर जाना है, क्लाइंट डॉक्टर को कहती है कि लाइट आइए। आप 12 घंटे की मेहनत के बाद कंसल्टेशन ही आपकी नहीं थी, आपको नहीं पता कि आप किस मंजिल की तरफ जा रहे हैं, क्लाइंट को भी नहीं पता कि किस मंजिल की तरफ लेके जा रहा है। 8 घंटे के बाद पता चले कि तो मुझे चाहिए ही नहीं था। तो कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं आधा घंटा कंसल्टेशन पे लगाता हूँ, 20 मिनट लगाता हूँ, जब तक मुझे समझ नहीं आती क्लाइंट किस कलर की, किस थीम तक, किस नोयत तक, किस बारीकी तक जा रहा है, उसको क्या अच्छा लग रहा है, इस कलर के अंदर भी उसको क्या अच्छा लग रहा है, फिर उसमें भी दिखाता हूँ। प्लीज़ अपने क्लाइंट्स को लुक्स दिखाया करें, आपको क्या उसको अपोजिट भी दिखाएं, क्या पता वो जो बोल रही हो हम टेक्नीशियन उसको कुछ और समझ रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी कंसल्टेशन, अगर वो अच्छी होगी तो क्लाइंट आपका इंशाल्लाह हैप्पी होगा, क्योंकि आप समझ चुके होंगे कि उसको क्या चाहिए। और कलर एक समंदर है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें ऐश है तो उसको ऐश चाहिए तो आप 9-1 जो मैं बोलूँगा आज वही लगा दें। मे बी उसमें वो स्मोकी चाह रही हो, मे बी उसमें वो मोव चाह रही हो, मे बी उसमें मेटालिक ऐश चाह रही हो। क्लाइंट कलर जो है वो बहुत समंदर है, बहुत ज़्यादा उसमें कलर होते हैं। आप अपनी रेशो को बढ़ा चढ़ा के ऊपर नीचे करके कलर मिक्स करके खुद भी बना सकते हैं। जो मैं आज इंशाल्लाह करने जा रहा हूँ वो 9-1-1 के अंदर हम अफकोर्स मोव डालेंगे। वॉलेट का मतलब है कि आपके येलो को कट करना, मतलब बालों में जो येलोपन आ रहा है उसको मोव कट करेगा तो उसके ऊपर 9-1-1 बैठेगा, वरना वो कहेगा यार मैं तो अकेला हूँ, मेरा तो साथी आया है, वो काम नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। तो हम इसमें आज 9-1-1 डाल रहे हैं, 10 PP इसमें एक कलर है, ये मैं मिक्स करूँगा 10 PP के साथ मैं 10 PP। अब ये देखने में तो आपको सही वाली बरगंडी लग रहा होगा, बट जी मैं बहुत कम डालूंगा क्योंकि मुझे सिल्वर चाहिए, मैंने बनाना है, वो मेरा काम है, मैं कैसे बनाऊँ ये आपका काम है। आप सोचोगे मैंने कहीं से नहीं सीखा, मेरे पास इतने क्लाइंट्स आए हैं वो कहते हैं कि आप कितनी दफ़ा बाहर जा चुके हैं। मैं कहता हूँ इसलिए मैं लिखता हूँ हर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ट है ट्रांसफॉर्मेशन इन पाकिस्तान, क्योंकि मैं एक दफ़ा भी बाहर नहीं गया, मैंने यहीं सर्च की, मैंने यूट्यूब देखे, मैंने सब कुछ देखा और मैंने इस पर सर्च करके मैं खुद ही करता रहता कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। अफकोर्स स्केल के बगैर तो कैसे हो सकता है, मैं एक ग्राम से भी बहुत फर्क, अगर 1 ग्राम ब्लू ज़्यादा पड़ जाएगा आपका कलर जो आपको चाहिए वो तो आएगा ही नहीं, कुछ और बनेगा, फिर आपको क्लाइंट को कहेंगे मैम आप 2 दिन लगने वॉश करें फिर ये कलर आ जाएगा, तो वो कहेंगे अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप, मैं तो आफ्टर भी लेता हूँ, फिर उसको कहूँगा 2 दिन बाद आए और फिर करें, तो जो चाहिए वो उसको दें, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने स्टैंड टेस्ट लेने हैं आप स्टैंड टेस्ट लें, जो कटिंग कराती है क्लाइंट्स उन पर ब्लीच लगाएं, एक्सपेरिमेंट करें, हो जाए। आज इंशाल्लाह ना इन 3 कलर से हम करने जा रहे हैं, बाकी अल्लाह बरकत है। जिनके नंबर्स हैं 10 PP 10 PP 9 11 10 PP 10 PP and 9/11 जी जी मैं समझा नहीं, सिकले की है कलर शेड कार्ड देखना चाह रहे हैं आप, कलर की पिक्चर देखना चाह रहे हैं, इसको ज़ूम कीजिएगा। का कलर होने जा रहा है 9/11/10 PP, नोट कर ले प्लीज। ये मैं बता देता हूँ 10 PP फॉर पाकिस्तान, वी फॉर विक्ट्री, 10 PP और 10 PP सिंपल है।
सिकले का पूरा स्टॉक मौजूद है, आप पिक्स भी बाद में लीजिएगा, अगर आपने बाय करना होगा आप बाय भी कर लीजिएगा, इस चीज़ में आप टेंशन ना लें, सिकले यहाँ पर मौजूद है। अभी आप सिर्फ नोट करिए, मैं माइक लेके आ रहा हूँ आपके पास, आपको सारा बताते हैं, आप सिर्फ फर्स्ट में आप देखते रहे, माइक पास है, आप माइक में पूछिएगा। जी ये ले, क्वांटिटी यानी आपको बता दूँ, एक ट्यूब के लिए अभी मैं मिक्स करके बताता हूँ मैंने क्या क्या करना। जैसे ये कहते हैं कि समथिंग कुछ ऐसे हैं होती हैं जिन पर गर्म कटडाउन के बाद भी नहीं आता या बगैर नहीं आता उसमें। कर्जों के बगैर तो हम सोच नहीं सकते। मैंने इसमें 911 की मैंने हाफ ट्यूब डाली, उसमें हाफ ट्यूब मैंने 10 PB की हाफ ट्यूब डाली है मैंने, 1.5 911, तो 2 ट्यूब्स बन गई। 2 ट्यूब्स के अंदर ऑलमोस्ट मैंने कोई 8 to 10 ग्राम वॉलेट डाला है, 10 PB वॉलेट कलर डाला है, ठीक है, 9 11 1.5 ट्यूब के साथ उसके अंदर 10 PP जो है हाफ ट्यूब मिक्स की है, 10 PP वॉलेट ग्रे में। जी 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 बिल्कुल, ये दीजिएगा माइक दीजिएगा, वो बड़ी अच्छी वो पॉइंट उठा रही है। नहीं मैम पास कीजिएगा प्लीज। I'm so sorry कि मुझे बार बार इस तरह से आपको मुझसे पूछना पड़े, मैंने खुद इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज किए हुए जिसमें प्रॉपर हेयर की टेक्निक्स को बताया जाता है, जिसमें बेसिकली जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपका जो काम स्टार्ट होता है वो कलर लाइटनिंग से होता है। हम लोगों के पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं जिनके साथ हम 10 to 9 लेवल को अचीव करने के लिए 1 एप्लीकेशन में हम जा सकते हैं, लेकिन उसमें हमारे साथ बहुत सारी कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं ले सकती डेफिनेटली, लेकिन इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमें हमारे लेवल को लो करने के लिए उसमें हमें वो सेफ साइड से लेकर जाते हैं। लेकिन मेरा इस वक्त क्वेश्चन ये है कि हम कितने ML जब हम प्री लाइटिंग में गए तो हमने कौन सी प्रोडक्ट यूज़ की, हमने क्या किया, हमने इस वक्त इन्होंने जो तकनीक यूज़ की है इसको न्यूयॉर्क तकनीक बोलते हैं, बेसिकली जब ये बालाज करते हैं और इसके बीच में इनको जब आओगे जी। लेकिन इस वक्त जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि अभी जो इन्होंने मिक्सिंग की वो कितने ML में की, कैसे की, और कलर को एंटी कलर्स कौन कौन से हैं। ओके मैम, एंटी कलर्स तो प्लीज हमें बताएं। ओके मैम, सबको मैं आपको ये देती हूँ, टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की है, टाइम की शॉर्टेज की वजह से डी कलर पहले हो चुका है, मैं प्रॉपर आपको थ्योरीज सब कुछ हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जैसा 5 से 10 मिनट्स मैम देंगे, हम लोग देंगे।
कह रहे हैं एप्लीकेशन कर लो, देन रैंड पे ब्रीफिंग होती है, आपको न्यूट्रलाइजर पिगमेंट हर चीज बताई जाएगी। ओके मैम, मैं आपको बता देती हूँ अभी जो पिगमेंट आ रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग प्रोफेशनल लेवल पे बैठे हुए हैं, प्रोफेशनल वर्किंग करने वाले हैं, वो जो पिगमेंट जा रहा है वो 10 लेवल जा रहा है, ठीक है, 10 लेवल पे ही जाके आप ऐश की टोन को उठा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है यूरोपियन और एशियन के टेक्सचर में बहुत फर्क है, यूरोपियन कूल है और एशियन वार्म है, ठीक है, हम एशियन का टेक्सचर वार्म है, तो अभी जैसे वो वर्किंग कर लेते हैं हम लोग आपको मिक्सिंग सब कुछ बता देते हैं। कैसे जी मैं रिपीट किए देती हूँ, मिक्सिंग में कैसे मैं क्या मिक्स किया है, 9 डबल 11 100 ग्राम्स है, 100 ml की ट्यूब है, 1.5 ट्यूब जो है, 150 ml जो है वो 9 11 है, ठीक है, और उसके साथ जो पिगमेंट ऐड किए गए हैं 10 ppb, 10 ppb मैं आप लोगों को शेड कार्ड भी दिखा देती हूँ, शेड कार्ड दीजिएगा। जब भी आप मिक्सिंग कर रहे हो ज़रूर आप देखें कि आपने जो ट्यूब निकाली है उसके अंदर भी वही ट्यूब है, आप अपने अंदाजे से उड़ा रहे हैं वही ट्यूब और लगा लें ग्लॉस और आप इतनी मेहनत की हो ऐसे पता चलेगा 5 नंबर था 6 नंबर था उसके अंदर, आपके असिस्टेंट ने भी वो कर दिया सारी मेहनत जा रही है, क्योंकि आप दोबारा तो जाके आप दोबारा उसकी ब्रीक करने चले, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कलर तो हो जाएगा बट ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको मतलब एक बेस्ट ऑफ्रमेशन देते हैं, हमेशा देखें इसको आदत बनाएं, जो ट्यूब देखें वो देखें उसके ऊपर नंबर वही है, फिर जब आप मिक्स करें आपको पता है आप 4 से 5 शेड मिक्स कर रहे हैं, 10 से 12 शेड मिक्स कर रहे हैं, किसी का 5 ग्राम, किसी का 2 ग्राम, किसी का 10 ग्राम, किसी का 100 ग्राम, तो आप थोड़ा पर नहीं डाल सकते क्योंकि वो बड़ी है, पहले हम 3 शेड्स को तो मिक्स कर लें ताकि वो एक पेस्ट बन जाए, ताकि वो आपस में एक कलर बन जाए, उसके बाद आपने उसके ऊपर आपने कलर पर डालना है और उसको मिक्स करना। कैंसर ब्यूटिशियन ये पूछना चाह रही है आपने ऐश की टोन में जो वॉलट टोन दी है वो किस लिए दिया है, वो भी आप जरा इनको गाइड कर देंगे, वॉलट की टोन दी है ना, मेरे ख्याल में ना हम टेक्नीशियन से अच्छे ना ये दुपट्टा रंगने वाले हो, गुड कैपिंग बनती है जी, आप उसके पास जाएगा तो जैसा ड्रेस होएगा ना आप कहेंगे इधर से पल्लू ऐसा कर दें, कलर इधर से ऐसा कर दें, आप 5 मिनट में अपने सामने करवाए ना वो 4-5 पाउडर डाल रहा होगा, क्योंकि उसने अचीव करना है और उसने आपको उस ड्रेस जैसा कलर देना है जो 20,000 लाख का 10,000 का है, हमसे अच्छे वो टेक्नीशियन है क्योंकि वो उसको कलर की मिक्सिंग आती है, इसी तरह मैंने जो मेरी क्लाइंट बोली थी ना ऐसा कलर चाहिए कंसल्टेशन उसके मुताबिक, तो मैं वॉलेट इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इनके बालों में कट डाउन येलो है, येलो लेवल पे है ना, तो जो वॉलेट होता है वो येलो को थोड़ा सा कट करता है न्यूट्रलाइज करता है, फिर ठाकुर के ऊपर तब 9 डबल 1 ऐश आएगा, 9 डबल 1 सिर्फ वेट है, इसके अंदर अभी 9 डबल 1 वेट कर रहा है कि जब तक वॉलेट जो है ना वो बैठेगा नहीं मैं ऊपर काम नहीं करूँगा, अगर उसने डायरेक्ट ऊपर काम कर दिया तो मटैलिक हो जाएगा, आपका तो सारा फोकस उसकी बात पे कीजिए प्लीज, इसलिए अगर ऑरेंज है तो ऑरेंज के ऊपर तो आप सिल्वर नहीं बना सकते ना, क्योंकि ऑरेंज के ऊपर जब आप उसको सिल्वर बनाने की कोशिश करेंगे वो ब्राउन बनेगा, वो दोबारा वापस आएगा 4 लेवल पे। जी जी मैम, मेहंदी वाले बालों का भी हल है, आप प्लीज उसको एप्लीकेशन करने दें, आपको सारी थ्योरी देके जाएंगे, ठीक हो गया, हमें पता है आप लोग अपना बहुत सारा कीमती टाइम लेकर आए हैं और इंशाल्लाह आपको प्रॉपर नॉलेज दिया जाएगा। सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपके पास माइक भिजवा दे माइक दे दे जी, ये देखिए मैं अशरफ आ गया, अभी हम ये चाह रहे हैं कि एक दफा इन्हें एप्लीकेशन करने दें, आपके जो क्वेश्चंस हैं सब होंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसा कैसे हैं आप, ठीक है, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, कैसा, अभी आपने जो मिक्सिंग हमें बताई है ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में डेफिनेशन से बताएं, जरा तफसील से बताएं, क्योंकि हम ब्यूटिशियंस हर उस लेवल के ऊपर काम कर लेते हैं,
देखिए 9-11, 10-11, 11-11 तक आज सबसे बड़ी मुश्किल यही बात होती है एनालाइज करना। हाँ। हमें अभी तक यही नहीं पता होता कि हम जब प्री लाइटनिंग गार्डन कर लेते हैं कि वो 8 लेवल पे कि 7 लेवल पे, सच में नहीं पता चलता। तो हम 7 लेवल पे स्टॉप कर देते हैं, हम समझते हैं बस ये 9 लेवल है भाई, जब उसमें हम काम करते हैं वो बनता ही नहीं। वो आपकी बात है, एनालाइज पहले आप इसकी स्टैंड टेस्ट आप बजाय किसी क्लाइंट पे कर लेते हैं, यकीन करें कि अभी भी स्टैंड टेस्ट रख के उसके ऊपर ऐश बना के 5 से 6 किस्म के अभी भी इस कंडीशन में और इधर अभी भी जो आपके सामने खड़ा हो तब यहाँ आपके सामने डेमो करें। आप सबसे पहले क्लाइंट के ऊपर तजर्बे करने से पहले स्टैंड टेस्ट लें। बहुत सी क्लाइंट्स आती हैं जो अपनी चुड़िया कटवा रही होती हैं या वो अपने बाल शॉर्ट करवा रही होती हैं, वो अपने बाल रखे उनके ऊपर हर लेवल की ब्लीच करें, उसके ऊपर फिर वही एक पेस्ट लगाएं 3-4 लेवल्स पे, ऑरेंज पे लगाएंगे वो क्या बनेगा, 7 लेवल पे लगाएंगे वो क्या बनेगा, 8 लेवल पे बनाएंगे, एक ही पेस्ट लगाएं 3-4 स्टेप पे, आपको पता चलेगा। फिर आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा, आप क्लाइंट को बताओगे कि नहीं ये 6 लेवल पे तो नहीं आएगा, 6 लेवल पे हाँ मैंने किया था स्टैंड, वो तो ब्राउन बन गया था। ब्राउन कैसे कलर बनता है? ब्राउन इन चीज़ों से तो बनता है, रेड से, येलो से, ब्लू से। अब ऑरेंज लेवल पे जब आप ब्लू डालेंगे और एक्स्ट्रा ब्लू डालेंगे साथ कहेंगे क्या सर ने वॉलेट भी कहा था, जब आप वो डालेंगे क्या बनेगा, वो तो अगेन से ब्राउन बन जाएगा, वो तो ऐश कभी भी नहीं बनेगा। और सबसे पहले जब आप स्टार्ट करें तो आप बैक से करें स्टार्ट, क्योंकि अगर आपका बैक से कलर स्टार्ट मतलब आना स्टार्ट हो जाएगा तो इजी होगा आप क्लाइंट को वॉश पॉइंट पे लेके जाके बैक से आप रेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम बैक से पहले स्टार्ट करेंगे तो बैक से ही पहले रेंज कर लेंगे। अगर टाइम होएगा तो हम ग्राउंड को 5 to 10 मिनट्स और दे के बाद में हम उसको रेंज कर सकते हैं। तो बहुत मुश्किल है, अच्छा किन का अगर आपको है कि आपने 10 लेवल जो है ना सही वाले अचीव कर लिया है तो आप वॉश पर भी कर सकते हैं, ड्राई भी कर सकते हैं, वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ग्लॉसिंग हो रही है आपके बालों, क्लाइंट के बालों का जो क्यूटिकल है वो ओपन है, आप कलर को डिपॉजिट कर रहे हैं रिजल्ट दे रहे हैं। न्यूट्रलाइज नहीं किया है ये, सिंपली ब्लीच के बाद ये बाल है। क्लोज तो मैम 10 बॉर्डर के साथ होता है ना। अगेन आप रिपीट करें क्वेश्चन। आपकी प्री लाइटिंग 30 वॉल से नहीं हो रही। When you came here, you mentioned कि जब बाल 30 वॉल्यूम से नहीं हो रहा तो आप 40 वॉल्यूम अप्लाई करेंगे बालों को कट डाउन करने के लिए। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं डाल रहे उसके अंदर तो उसके लिए तो 20 की बहुत है, हो जाता है। अगर आप ट्रीटमेंट डाल रहे हो तो ऑफकोर्स आप 40 से आराम से कर सकते हैं। 30 के बाद 40 नहीं यूज किया जाता, ठीक है? अगर आप ट्रीटमेंट डालोगे तो, अगर ट्रीटमेंट नहीं है तो 30 से ऊपर कभी सोचेंगे। 30 के साथ कट डाउन करने के बाद लेवल आ जाएगा आपका 7। 7 लेवल से आपका बाल आगे नहीं जा पा रहा तो फिर आप 20 के साथ कट करेंगे, कभी 40 नहीं यूज करते। क्यूटिकल ओपन हो जाता है, क्यूटिकल ड्राई हो जाता है, हेयर आपका ब्रेकेज पे चला जाता है, तो आपने लेवल नीचे ले आना, उसको 20 के साथ करेंगी तो वो चला जाएगा। आपकी ये जो आपने की है ओके ये किस स्टेप है?
लेवल है, 10 एंड नीचे जो है ना इनका 8 लेवल भी है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा दिखाना है डार्क टू लाइटर दोनों में मिक्स है। 8 और 10 कुछ है ना, व्हाइट तो पूछती है कि कौन से वाला है ये। अच्छा मैं आप सबकी मुश्किल थोड़ी सी आसान कर दूं, मोबाइल अगर आप रख ले तो यहाँ पर ये कैसे भाई कवरेज कर रहे हैं एच डी कैमरा 4K वीडियोग्राफी के साथ, ये टोटल सारा इनके पेज पे यूट्यूब पे आप इजीली पूरी क्लास की जो कवरेज है आज की, आप स्पेशली कैसे फ्रोज भाई की जितनी प्रेजेंटेशन है यहाँ पे, आप इस सबको लाइवली प्ले पॉज करके रीच एवरीथिंग नोट कर सकते हैं। ओके तो ये मैं दोबारा फिर माइक इस तरफ दे रहा हूँ, काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनके लिए जरा क्लैप करते हैं थोड़ी सी ज्यादा करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम 10 लेवल पे पहुंच जाते हैं तो हमारा जो क्यूटिकल है वो ओपन हो जाता है और उसके बाद हमारे बाल जो है वो बिल्कुल डेफिनेटली वो टूटना शुरू हो जाते हैं। हम लोग 10 लेवल को विदाउट ट्रीटमेंट आगे कैरी ऑन नहीं कर सकते। आप अगर हम इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में हर चीज़ के एक असूल होता है, उसको हम ट्रीटमेंट के अलावा आगे लेकर नहीं चल सकते। अगर मैं कैसे भाई को भी बोलूँ कि आप इधर खड़े होकर कोई भी बर्जन हेयर्स ले लें, वो या कोई ट्रीटेड हेयर ले लें और उसको आप काम करेंगे विदाउट अपने उसके काम आगे नहीं बढ़ा सकते। तो हमें ये बताएं कि जब आपका एक लेवल आप जब उस पर अचीव करते हैं, यहाँ पर जब कि बच्चियाँ जाके घर पर करेंगी वो बाल डेफिनेटली फट जाएंगे और जब वो फट जाएंगे तो क्लाइंट तो डेफिनेटली इनके सर पे पड़ जाएगा ना। वो आप 20 वॉल्यूम से ऊपर नहीं जाते, बेशक आपको 18 घंटे लगे, बेशक 20 घंटे लगे, यू हैव टू वेट फॉर इट कि वो स्लोली और ग्रेजुअली जो है ना वो आगे जाए काम आपका। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये जो काम जिससे करते हैं इनको बिल्कुल वैसे बताना चाहिए ताकि ये बाकी के लोग भी वो काम कर सकें। थैंक यू वेरी मच। मेरे क्वेश्चन थोड़े से हार्डर सख्त जरूर है लेकिन मेरी इन बहनों के लिए ताकि इन लोगों का काम हो जाए, इनको समझ आ जाए। थैंक यू सो मच। मैं वापस उसी बात पे आ रहा हूँ जिस पे मैं था, कैसर गुजर खान, आप यूट्यूब पे इनकी साइट है कैसर गुजर खान के नाम से, जहाँ पे आप ये टोटल आज की क्लास जो है जो हो रही है आप उसकी लाइव वीडियो वगैरह जितनी भी होगी कवरेज की वो आप प्ले पॉज करके जो कोई चीज़ नोट करना चाहिए हम सारा कर सकते हैं। जी ब्रदर, वही बात के क्लाइंट का अगर बाल फ्रिजी है तो आपको उसको इतने खास सुहाने ना दिखाएं ना, आप उसको बताएं सच बताएं, डैमेज होंगे ब्रेकेज होएगा आपका। जिसने पैशन बंदी नहीं करना है आपकी क्लाइंट ने, उसने उसको मेंटेन करना है। अब मेरे पास एक क्लाइंट आती है वो दूसरे दिन ही सलोन होती है, आपने क्लाइंट से मस्त पूछना है आप जॉब करती हैं क्या करती हैं, फ्री होती हैं यूनिवर्सिटी जाती हैं घर पर होती हैं मैरिड हैं अनमैरिड हैं, आपने उसकी लाइफ के बारे में पूछना है, आपने उसका फ्रेंड बनना है, उससे पूछेगी तो आपको पता चलेगा कि वो मेंटेन कर सकती है या नहीं। अगर वही किसी मॉल में काम कर रही है वो जॉब है जॉब करती है वो, आप उसको रिकमेंड करेंगे कि आप थोड़ा सेटल में आए ना, आप सिल्वर इतने हाई फाई कलर में ना जाए क्योंकि उसके लिए वो फैशन से ज़्यादा आताब बनेगा। अगर उसके बाल फ्रिजी हैं तो फ्रिजी बाल नेचुरली तौर पर फटा हुआ बाल होता है, उसकी क्यूटिकल वैसे ही उड़े हुए होते हैं ओपन होते हैं, जब आप उस पर 20 भी डालेंगे तो नॉर्मल वो 40 के बराबर ही होगा। तो आप उस बालों पर नहीं करेंगी ना, आप मोस्टली उन बालों को चुने जिनके बाल सिल्की हैं नॉर्मल हैं वेवी हैं, आप उन पर बहुत अच्छा कर सकती हैं, चाहे उनका कलर हुआ है चाहे उनका टेंथ पे पहले कलर हुआ है, बट आप कर सकती हैं। आपको पता है उसके अल्लाह ताला ने उनको जो उनके बाल जो एक बने हुए हैं नेचुरली तौर पर उनका क्यूटिकल लॉक हो जाता है, आप कर ली बालों का ऑलरेडी क्यूटिकल ओपन होता है, आप कौन सा 20 वॉल्यूम से भी जादू कर देंगे कि कलर भी हो जाएगा और क्यूटिकल भी बंद हो जाएगा 8 घंटे के बाद। तो ये तो आपको खुद एनालाइज करना है, ब्यूटिशियन हम हैं डॉक्टर हम हैं कि कर्ली बाल जो है हम जब ब्लो ड्राई करते हैं तो बाल वही कर्ली बाल सिल्की कैसे हो जाता है, क्योंकि हीट की वजह से क्यूटिकल लॉक हो जाता है शाइन आ जाती है। क्लास का मतलब है यहाँ बताना, आपको एक वे बताना, बाकी आप आपके पास में भी इस तरह की क्लाइंट ना हो जैसे मेरी मॉडल बैठी है, इस तरह का लेवल ना हो जो इस तरह हजारों क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास, कम से कम 10-15 तो आते ही हैं दिन में। तो आप अगर 1-3 months भी आप सही सर्च के साथ लगाएं ना तो आप सही मास्टर बन जाते हैं, क्योंकि आपके पास डेली पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं आप डेली आपसे 10-15 लोगों के बालों के साथ खेल रहे हैं देख रहे हैं फील कर रहे हैं,
फील होता है, क्लाइंट को कहें आंखें बंद करें, आप ऊपर वाला बाल बेबी हेयर है चाहे कर्ली हेयर है, दवानगी से आपकी फिंगर आएगी, आपकी फिंगर जिद करती है, नीचे टैंगल्स पड़ते हैं, जिसकी अगर क्लाइंट बिफोर आपके पास बैठा चेयर पे और उसके लेंथ एंड एंड्स में आपकी फिंगर जिद कर रही है, नहीं निकल रही, तो उसको बताएं आपका बाल डैमेज होएगा, टूटेगा। जिसने कराना है उसने कराना है, उसको ये भी बताया था ये प्रोडक्ट्स भी रहेगी। वो मेरी क्लाइंट जिसका वो मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन लेके आई है, उसका लिविंग स्टाइल ऐसा है, अगर आपका भी वैसा है वो आपको पता होगा, उसका मैच और होगा तो आपको उसको करें आप, अगर नहीं हो रहा तो आप उसको बताएं, इससे थोड़े और किसी और फैशन सेंस में चली जाए और टेक्निक्स में चली जाए, आप उसको फिर टेक्निक इतनी हाई पर ज़्यादा आप उसकी ब्लीच ना करें, उसको सिर्फ हेयर लाइन कर दें उसकी, जैसे यूनिवर्सिटियाँ लड़कियाँ में जाती हैं, उसको ऊपर से आप ना करें, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप उसको और कितना खूबसूरत बना सकते हैं। मैं कैसे भाई की बात को आगे लेके जाता हूँ कि आप एक डॉक्टर भी हैं, मैंने पहले बात की कि आप एक आर्टिस्ट हैं, आपने क्रिएशन करनी है, आपने अपनी बात को अपने तरीके से अपनी टेक्निक से मनवाना है। अगर कहीं किसी जगह पे आप फील कर रहे हैं कि ये इरिटेट होगा मेरे लिए, भी मेरे लिए करना कुछ मुश्किल होगा, आप तजर्बा ना करें, एक्सपेरिमेंटली अपने एक्सपीरियंस को आगे रखते हुए आप काम जरूर करें, बट कुछ इस तरह का कि जैसे बस उन्होंने किया तो मैंने भी ये करना है, बेशक आपको उसके बेसिक्स नहीं पता, तो आप कुछ इस तरह का बल्कि आपने डील करना है उस चीज़ को प्रॉपरली। कैसे भाई के लिए जोरदार तालियां बजाएं इस बात पे। मैं सबसे पहले रूट्स लगाता हूँ, कोई भी टेक्निक करता हूँ मुझे पता है मेरे रूट्स, मैंने सबसे पहले मिड बैंड रूट्स मैंने 3 inches तक को लगाया क्योंकि मैं लेंथ एंड एंड भी नहीं लगाया, एक जैसा रिजल्ट आता है, आप गीले में कर लें आप टाई में कर लें। सबसे पहले तो मैं आपको टिकटॉक पे बहुत अच्छे से फॉलो कर रही हूँ, तो मैं सबसे ज्यादा सीखने से ज्यादा आपसे मिलने के लिए बहुत खुशी है। इसके अलावा मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जो भी कलर लगाएं ना तो मतलब वो ज्यादा ब्राउन में और गोल्डन में ही है, चाहे हम जो भी अप्लाई करें अगर आप हमें इस चीज़ में गाइड कर लें आप डायरेक्ट की बात कर रही हैं या कटडाउन के बाद की? क्योंकि आपकी डाइट में उसका जो कटडाउन है ना वो सही नहीं करती, ऑरेंज ऊपर लेके जाए। आपको पता है जब आप पैकेट लगाते हो 20 के साथ ही लगाते हो, आपका वेदन मेरा तो आधे घंटे में ऑरेंज तक पहुंच जाता है, ऑरेंज से 7 लेवल पे एक लेवल पहुंचने में फिर वो थोड़ा सा डबल टाइम लेता है, 7 से 9 लेवल पे पहुंचने में मुझे तो 3-4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि खट्टा येलो निकालना बालों से तो मुश्किल है, ब्राउन से ऑरेंज बनाना तो बहुत आसान है, ऑरेंज तो आराम से आ जाता है, ऑरेंज से तो आगे ही कहीं है, वही कह रहा हूँ, ऑरेंज को निकालना, ऑरेंज को ख़त्म करना, बालों से ऑरेंज को निकालना। तो आप कट डाउन की बात करिए ना कि तब तक आप ऑरेंज को नहीं निकालेंगी तो आप तक कट नहीं आएगा, वो जब भी करेंगी गोल्डन और ब्राउन बनेंगे। ऑरेंज का न्यूट्रलाइजर जो है जैसे ये 9-1-1 है उसमें फिर डार्कर रहेगा। अगर आप कोई भी शेड कार्ड उठाते हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी कलर का एक राउंड बना होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं? ग्रीन, ब्लू, वॉलेट। सेकेंडरी कलर कौन से हैं? जो हमारा पिगमेंट होता है, जो येलो ऑरेंज, जैसे आप पूछ रही थी ऑरेंज येलो और रेड। हिना ट्रीटेड मोस्टली हमारे पास जो क्लाइंट आती हैं वो हिना ट्रीटेड हेयर वाली होती हैं, ठीक है। आप लोग उस चीज़ का एनालिसिस पूछ रहे हो कि जो रेड टोन आ जाता है, ऑरेंज टोन आ जाता है, तो उसको कैसे ख़त्म किया जाता है? जैसे कैसर बता रही है कि आप उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, तो न्यूट्रलाइज डी कलर में करें, डी कलर कट डाउन। कट डाउन आप जब बनाती हैं तो उसके अंदर एशियन का एक बात याद रखिएगा, एशियन का मैंने पहले भी आप लोगों से अर्ज किया है कि टेक्चर वार्म होता है, वार्म टेक्चर ऑरेंज और रेड। जब आप डी कलर करते हो ऑरेंज और रेड पिगमेंट निकलता है, तो आप उसका ही बेसिक पूछ रही हैं तो उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। आप जो ब्लॉन्डर करती हैं उसके अंदर ब्लू, थोड़ा सा ब्लू, 5 ml ब्लू और 5 ml जो है वो ग्रीन,
अपने डी कलर के अंदर ऐड कर ले। सीखने पे मैं ब्रीफ करती हूँ आप लोगों को, 0/22 0/88 55 ml 1 month की रेशो, 1 month की रेशो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर 1 teaspoon ब्लॉन्डर है तो 1 teaspoon आपका डेवलपर, उसको हम लोग कहते हैं 1:1 की रेशो, ठीक है। उसके अंदर आपने पिगमेंट ऐड कर देना है। पहले आपने जो आप लोगों के पास जब हेयर आता है तो आप लोग देखते हो कि स्ट्रॉन्ग कोटिंग है जी, ठीक है। मोस्टली हम लोग जब काम करते हैं तो हम लोग A+ लेवल पे काम कर रहे होते हैं, हम वही क्लाइंट पकड़ते हैं जिसका एश टोन में बाल चला जाए, हेयर चला जाए। लेकिन बहुत सारे ब्यूटिशियंस हैं उनके पास सीना ट्रीटेड हेयर आता है, मेटैलिक डाई आता है, और वो आके कह देता है जी एश कर दे। और सॉरी टू से मैं जो बात करने जा रही हूँ उस पर बुरा ना फील कीजिएगा, हम चंद पैसों की खातिर हम वो क्लाइंट उठा लेते हैं, ठीक है। हमें अब करना ही करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एनालिसिस बता रही हूँ कि आप लोगों ने ग्रीन एंड ब्लू कलर जो है डी कलर के अंदर मिक्स कर देना है, उससे आपका जो लेवल है ना 30 volume के साथ 7 से 8 लेवल पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। अगर बाल की साफ थोड़ी है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप 20 volume उठाएं, अगर नहीं है तो न्यूट्रलाइज कर दें। अब आप लोग पूछेंगे जी न्यूट्रलाइज क्या करना है, जो मैं आपको पिगमेंट डी कलर में ऐड करने के लिए बता रही हूँ, अगर ऑरेंज आता है तो फिर आपने ब्लू को लेना है, 5 ml एक बाउल में ले, उसको मैश करें, बाउल भर के पानी के अंदर अपने बालों को न्यूट्रलाइज कर दें तो वो रेड टोन को कन्वर्ट कर एश में कन्वर्ट कर देगा जी। मैम आप क्या पूछूँ, मैम अगर आप सबसे पहले जब हम लोग कलर करते हैं तो आई बॉल को स्टडी करते हैं, जो आई बॉल का कलर होता है वही आपके पिगमेंट निकलता है, इनका जो पिगमेंट है ना वो एश में था। पाकिस्तानी बालों का, मेरा अपना भी 4 level का बाल है, बहुत कम होता है जिसका 5 level का बाल होता है, और बहुत कम ऐसे होते हैं जिनका 3 level का बाल होता है। मेजोरिटी में आपको 80% 4 level का बाल मिलता है, 10% 5 पे होंगे, 10% लोग 3 पे होंगे। ठीक हो गया मैम, मैं आपको इसका बताती हूँ। कैसे आप काइंडली बस ये बता दें कि आपके बाल जब आप काम करते हैं तो आपके बालों में इतना बाउंस कैसे आ जाता है, जब हम 40 volume से या 30 volume से या 10 level पे जाते हैं तो हमारा बाउंस तो बालों में इतना क्लाइंट के नहीं आता, तो वो इतना बाउंस जो आप दिखा रहे होते हैं जो वीडियोज़ में हमें नज़र आ रहा होता है जिससे बाकी सारे लोग बड़े इंस्पायर हो रहे होते हैं, बेसिकली वो क्या, वो तो हम लोगों के पास केराटिन से आता है रिजल्ट, या हम उसको बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट से ऐड करें तब आता है। क्योंकि मैं केमिकल कम, और मेरी जो सलोन की टीम है और जो मेरी कराची में टीम है जो ट्रीटमेंट्स हमें देते हैं वो पागल हो गए हैं कि इतना ट्रीटमेंट कहाँ जा रहा है। हमारे 10 branches में अगर इतना ट्रीटमेंट नहीं कितना यूज़र होगा जितना मेरी ब्रांच में मैं कर रहा हूँ, मैं पिला रहा हूँ लोगों को, क्लाइंट्स को मैं ट्रीटमेंट पिला रहा हूँ। ये नहीं होता ये देख रहे हैं ट्रीटमेंट पड़ा है हमारे पास, ये ब्रांड है नहीं, आंखों के सामने डालता हूँ, हर बाउल में डालता हूँ, क्योंकि मुझे अपने क्लाइंट के बाल अपने से ज़्यादा प्यार है। बिल्कुल ऐसा है, और हर किसी को अगर आप शाइन वर्जन हेयर पे हो सकते हैं, बट मोस्टली बहुत कम ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनके वर्जन हेयर होएगा, तो आपको ट्रीटमेंट के साथ काम करना है। चले एक आप जैसे कहते हैं ना कि क्या कहते हैं ग्लव्स कहना चाहिए कि आपकी एक लड़ाई हो जाएगी, इसमें ये उनको बता दें हम सिकली यूज कर लेंगे, सिकली प्रोडक्ट के साथ चले जाएंगे, लेकिन हमें कौन सा ट्रीटमेंट ऐसा है कि जो हमारे बाल भी सेफ रहे और हम लोग इसके साथ काम भी करें तो रिजल्ट भी आप वाला आए, पता चले ना कि मैं इसकी थोड़ी सी मिसाल देता हूँ। डॉक्टर के पास जाए तो एक तो टाइफाइड है, एक तो टेम्परेचर है, तो बंदा कहेगा अच्छा टाइफाइड थोड़ी ऊपर वाली बीमारी है, थोड़ी मतलब उसमें एंटीबायोटिक और सबको यूज होता है, तो कहेगा मुझे एक ही घर में, और कहेगा मुझे वही था बहुत अच्छी है, तुम तो एडवांस में टेम्परेचर है तो ये ले लो ठीक हो जाओगे। इसी तरह जो ट्रीटमेंट्स हैं उनमें भी ना आपके बालों के क्यूटिकल्स को आपके लेवल को कितना डैमेज है कितना नहीं डैमेज, उस हिसाब से आपके पास सलोन में ढेरों पड़े हैं, आपको एनालाइज करना है कि इसको क्या क्या चाहिए। फर्स्ट क्लाइंट की
जो उसका फर्स्ट है ना कि मुझे बाल शाइनी चाहिए या थोड़ा बहुत बस फ्रिज कंट्रोल हो जाए, तो फ्रिज के लिए करना है या जो उसका डैमेज है पहले उसको रिपेयर करना है, तो ट्रीटमेंट्स ढेरों हैं। कोई मैं स्पेसिफिक नहीं है कि ये ट्रीटमेंट्स हैं, मैं वहाँ पर भी सलोन में एक ही क्लाइंट में सिर्फ एक प्रॉब्लम ढेरों प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रेकेज भी हो रहा है, अच्छा कलर भी है, उसने ये भी किया हुआ है, ये भी मैं ट्रीटमेंट्स को एनालाइज करके मिक्स करके उनका कर देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ये 5,000 का ट्रीटमेंट है इसके अलावा तुम्हें दूसरा मास्क नहीं लगाना। नहीं भाई, आप हम आपकी वीडियोस खुद ही देख रहे होते हैं, वी आर रियली इंप्रेस्ड फ्रॉम योर हेयर कलरिंग। तो आप क्या मुझे ये बताएंगे कि जो आपने ये जो हेयर कलर अपने खुद के बालों में किया हुआ है, इसमें कौन से कलर्स आपने यूज़ किया और इनको यूटिलाइज करने के? अभी ये जो मैं कर रहा हूँ ना, मैच कर लीजिएगा इसके साथ मेरे बाल के लिए। तो सर क्या आपने इसी कंपनी के कलर यूज़ किए थे या किसी और ब्रांड के? मैं तो बहुत ज़्यादा करता रहता हूँ, मेरे पास ढेरों पता नहीं दिन में कितने आते होंगे, बट जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसी को ट्राई करता हूँ। मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे बालों की हेल्थ चाहिए। अगर बालों की हेल्थ कट डाउन के बाद, आप रिलाइटनिंग के बाद, आप अभी ये लगा रहा हूँ, आप फील करेंगे कि बालों में शाइन कितनी है, बालों में रिजल्ट कैसा आया है। मतलब सिर्फ ये तो नहीं है कि आपने ऐश बना दी और उस कंपनी ने आपके बालों को आधा आपने काम कर दिया आधा उसका रंग कर दिया। आप तबाही करवा लें या एक दिन सबर करके 9 घंटे बैठ के आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करवा लें। जस्ट इमेजिन कि हमारे पास एक ऐसी क्लाइंट आती है जिसने ऑलरेडी किसी और फोन से 8 लेवल का कट डाउन किया हुआ है और वो ऐश की डिमांड करती है, तो कैन वी डू दैट या हमें उसके अगेन ब्लीचिंग करनी चाहिए? ऑफ कोर्स आपको करनी पड़ेगी। जो आपके पास ऑलरेडी क्लाइंट लेके बाल आ रही है वो बहुत कम बाल होता है जो 9 लेवल पे ऐसे कट डाउन करके घर से तो कोई नहीं आता, तो आपको उसके अपने हिसाब से डिज़ाइन करके देना है। उसको बताएंगे कि आप ग्लॉस करेंगे तो आपका जो ये थोड़ा लाइट लग रहा है ना आपको कलर, ये सेटल हो जाएगा, क्योंकि ऐश जितनी भी टोन्स होती हैं वो लाइट के अंदर रिफ्लेक्शन को जस्ट कर लेती हैं, आपको इतना रिप्लाई में वो नहीं आता। आप 811 देख रहे हैं, 911 देख रहे हैं और 8393 देख रहे हैं जिसमें गोल्ड है, गोल्ड दूर से ही आपको रिप्लाई देगा, गोल्ड दूर से पता चलेगा वो ये लाइट कलर है, एक्चुअली वो तो एक टोन डार्कर कलर है। ऐश कलर 911 पे भी करेंगे तो आपको सेटल लगेगा, सॉफ्ट लगेगा, आंखों को चुभेगा नहीं, अच्छा लगेगा। अगर आप ब्राउन ऑरेंज लेवल पे भी उसका गोल्ड करेंगी तो दूर से फड़कता हुआ चीखता हुआ कलर लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि वो गोल्ड चीज़ है, वो लाइट के साथ और भी मिक्स होके आपको डबल रिप्लाई कर रहा है, आपको क्लाइंट को लगेगा वो मेरे पास तो पहले लाइट थे आपने डार्क कर दिए। आपने ये क्लाइंट को पहले बताना है कि अभी आपका बाल गोल्ड है इसलिए आपको लाइट लग रहा है, बट एक्चुअली ये लाइट नहीं है। हम जब ऐश करेंगे तो और एक लेवल पे जब आप यूटिलाइज करते हो, समटाइम क्लाइंट ग्लॉसिंग के लिए आती है, तो जब आप ग्लॉसिंग करोगे आपको पता होना चाहिए, क्लाइंट को तो बाद में पता चलेगा जब वो एक केस हो जाएगा कि आपका बाल ऑरेंज है, जब हम इसको न्यूट्रलाइज करेंगे आप ऑरेंज नहीं चाहते तो ये लाइट नहीं रहेगा, वो आपको पता है कि एक्चुअली अंदर से लाइट है बाल, बट जो दिखता है ना वही क्लाइंट को तो नजर आएगा। तो ऑरेंज को जब आप न्यूट्रलाइज करते हो तो वो ब्राउन ही बनेगा। सर मोस्टली ऐसा होता है कि हमारा कलर ऐश ग्रीन की तरफ ट्रेवल कर जाता है एंड 2-3 वॉश के बाद दोबारा से क्लाइंट के गोल्डन बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, येलो या गोल्ड पिगमेंट निकलता है, उसके क्या रीज़न है? लाइक 1 मंथ तो स्टे करना चाहिए ना 10 वॉल्यूम अगर डबल रेशियो या सिंगल रेशियो के साथ। मेरे पास ना मेंस आते हैं कलर के लिए, आप नॉर्मली भी ब्राउन कलर 5 नंबर 4 नंबर लगाते हो ना तो 3 हफ्ते बाद 1 मंथ के बाद उनको कटिंग के लिए आते हैं, जो शॉर्ट रखते हैं अपने हेयर, जो हमने उनका डार्क ब्राउन किया होता है ना 1 मंथ के बाद जब वो आते हैं लाइट ब्राउन, तो वो भी बना होता है, परमानेंट कलर होते हैं बट ये वॉश आउट होते हैं, इन्होंने लाइट ऑन होता है, जो हमारे सरफेस के ऊपर कलर होता है उसमें तो वॉश के बाद निकलना है। तो आपका जब 24 लेवल पे पड़ता है तो आपका जो बाल है वो 6 लेवल पे चला जाता है, बेशक आप उस पर कलर 5 नंबर लगा रहे हो, अंदर से बाल 6 नंबर पे है, आपका कलर रिफ्लेक्शन दे रहा है 5 नंबर, उसे कब तक देना है? 2 वीक्स तक, 3 वीक्स तक, उसके बाद एक्चुअली जो कलर है 6 लेवल का वही नज़र आएगा। तो मेरे पास मेल आके कहता है ये थोड़ा लाइट हो गया, इसको और डार्क कर दो, तो हम उसकी ग्लॉसिंग कर देते हैं अगेन से, मतलब 1 मंथ के बाद जब वो आते हैं। जब आप येलो भी करोगे अगर आप ऐश बनाओगे तो आप बताओ कि हम ज़बरदस्ती बना रहे हैं ऐश, हमारे बाल ऐश नहीं है, और 4 नंबर से लेके आप 9 नंबर तक जा रहे हो 8 घंटे लगा के, मतलब आप पाकिस्तान को युद्ध बना रहे हो। तो ऑफ कोर्स आप जब काबू की दुनिया दिखा रहे हो उसको मेंटेन भी करना है, उसको आप सब कुछ सच बताओगे, क्योंकि आप जब बताओगे तो आपकी क्लाइंट आधी टेक्नीशियन खुद ही बन जाएगी।
उसको पता हो कैसे मेंटेन कर रहे हैं, जैसे मुझे कहते हैं आप कैसे पत्नी साल से मेंटेन कर रहे हैं, इसी तरह आप क्लाइंट को भी नॉलेज है ताकि वो घर पे मेंटेन करे। आपके लिए आपकी क्लाइंट फ्री की एडवर्टिजमेंट है, वो जहाँ जाएगी अगर उसके बाल अच्छे लग रहे, इसलिए 10 क्लाइंट करने से आप 10 के बाल जलाने से अच्छा आप एक कलर कर लें और एक ही क्लाइंट कर लें ताकि वो जहाँ जाए वो 10 क्लाइंट आपके और बने। सर एक आखिरी एंड लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या डेफिनेटली मेरे पाकिस्तान में बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हम ब्लीचिंग कर रहे हैं, तो क्या आप कोई अपनी फेवरेट जो हम तमाम ब्यूटिशियंस को रिकमेंड करें कोई ऐसा ब्लीचिंग पाउडर जो आपकी तरफ से हमें रिकमेंडेड हो और आपको बहुत पसंद है? मैंने सिपले यूज़ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा इनका, बहुत मायर इनकी। आप जब डेवलपर भी ओपन करते हो आपको फ्रेगनेस इतनी अच्छी आती है, आपको फील होता है, आप जब मतलब मिक्स करते हो उसके साथ खेलते हो, मुझे बहुत अच्छा। थैंक यू भाई, लाउड क्लैप फॉर सिकले, जोरदार तालियों से आप सबको। एनी क्वेश्चन? मैं आप गया एक मिनट, इन्होंने काफी देर से मुझे कॉल किया। जी रिस्पेक्टेड सर, से मेरा क्वेश्चन है कि सर ने बोला मुझे 3 to 4 hours लग जाते हैं लिफ्टिंग करने में, तो उसमें मुझे बताएं कि आप उसकी री एप्लीकेशन करती हैं या सिंगल एप्लीकेशन में आप 4 hours वेट करते हैं? ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ गया और उसने 4 नंबर लगा दिया और वो बहुत, आप उसकी हिस्ट्री भी तो जानोगे, उसके साथ बात करोगे, आपने लास्ट हाइलाइट्स कब कराई, आप वीक में एक दफ़ा रूट टचअप अब करवाती हैं, साल में एक दफ़ा आप कलर लेती हैं, आप उसकी हिस्ट्री जानोगे पहले, बात करोगे पहले, कलर स्टार्ट करने से पहले, लुक उनकी जानने से पहले। अगर आपको हिस्ट्री उसकी नहीं पता, मे बी उसने 1 वीक पहले हाइलाइट्स की हो, उसको अच्छा ना लगा हो, उसने डार्क कर दी हो, 5 नंबर आपके पास आ गई हो, आपके हाँ बस बाल तो 5 नंबर किए हैं, अच्छा ये लगाएंगे ऐसा हो जाएगा वैसा हो, आप उससे पूछें। हेलो, ये मैंने इस मॉडल की ये वाली ब्लीच यूज की है सिकले की और बहुत अच्छा रिजल्ट आया और बहुत आप जो टेक्नीशियन उनको खुद ही फील हो जाता है जब आप यूज़ करते हो कि हाँ मेरे हाथों में एक अच्छी प्रोडक्ट आई है और अच्छा रिजल्ट आया। मेरी तमाम सिस्टर्स से रिक्वेस्ट है कि 911 डालूंगा, क्रॉस करूंगा तो क्या बनेगा, मैं डायलिंग बंद है मोस्टली तो सबको पता ही होगा, तो येलो और ब्लू जब मिलते हैं तो वो ग्रीन बनता है, तो मोस्टली यही होता है कि मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी आ जाते हैं कि जिन्होंने ऐश चाहिए होता है बट वो मेटालिक करा के आ जाते हैं कि उन्होंने मेरे सामने ऐश किया था, देखिए मेरे बालों में आता नहीं है। तो 911 811 किसी भी कंपनी का हो मतलब मोस्टली यही जैसा ही है, तो वो जब आप इन येलो बालों पर डालेंगे तो उसने मेटालिक ही देना है, उसने कभी भी आपको सिल्वर नहीं देना, तो उसके लिए मिक्सिंग चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लाइंट को कहें कि मुझे लुक दिखाएं, मुझे पिक्चर्स दिखाएं, आपको कैसा चाहिए, कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कहें जी 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 मुझे पता है बैठ जाए, चाहे आपको 15 साल हो गए 10 साल हो गए, क्लाइंट को सुने कि वो क्या चाह रही है, उसका माइंड क्या, उसका थीम क्या है, वो उसको खुद भी पिक्चर्स दिखाएं, लुक्स दिखाएं, मैं दिखाता हूँ। समटाइम ऐसा होता है कि मैं जिसको हम कहते हैं कि डॉक्टर जाना है, क्लाइंट डॉक्टर को कहती है कि लाइट है, आप 12 घंटे की मेहनत के बाद कंसल्टेशन ही आपकी नहीं थी, आपको नहीं पता कि आप किस मंजिल की तरफ जा रहे हैं, क्लाइंट को भी नहीं पता कि किस मंजिल की तरफ लेके जा रहा है, 8 घंटे के बाद पता चले ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था। तो कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं आधा घंटा कंसल्टेशन पे लगाता हूँ, 20 मिनट लगाता हूँ, जब तक मुझे समझ नहीं आती क्लाइंट किस कलर की किस थीम तक, किस नोयत तक, किस बारीकी तक जा रहा है, उसको क्या अच्छा लग रहा है, इस कलर के अंदर भी उसको क्या अच्छा लग रहा है, फिर उसमें भी दिखाता हूँ, प्लीज़ अपने क्लाइंट्स को लुक्स दिखाया करें, आपको क्या उसको अपोजिट भी दिखाएं, क्या पता वो जो बोल रही हो हम टेक्नीशियन उसको कुछ और समझ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी कंसल्टेशन, अगर वो अच्छी होगी तो क्लाइंट आपका इंशाल्लाह हैप्पी होगा क्योंकि आप समझ चुके होंगे कि उसको क्या चाहिए। और कलर एक समंदर है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें ऐश है तो उसको ऐश चाहिए तो आप 911 जो मैं बोलूँगा आज वही लगा दें, मे बी उसमें वो स्मोकी चाह रही हो, मे बी उसमें वो मोव चाह रही हो, मे बी उसमें मेटालिक ऐश चाह रही हो, क्लाइंट कलर जो है वो बैठ समंदर है, बहुत ज़्यादा उसमें कलर होते हैं, आप अपनी रेशो को बढ़ा चढ़ा के ऊपर नीचे करके कलर मिक्स करके खुद भी बना सकते हैं। जो मैं आज इंशाल्लाह करने जा रहा हूँ वो 911 के अंदर हम अफकोर्स मोव डालेंगे, वॉलेट का मतलब है कि आपके येलो को कट करना, मतलब बालों में जो येलोपन आ रहा है उसको मोव कट करेगा तो उसके ऊपर 911 बैठेगा, वरना वो कहेगा यार मैं तो अब येलो मेरा तो साथ ही आएगा।
वो काम नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। तो हम इसमें आज 911 डाल रहे हैं, 10 पीपी इसमें एक कलर है, ये मैं मिक्स करूंगा 10 पीपी के साथ मैं 10 पीपी। अब ये देखने में तो आपको सही वाली बरगंडी लग रहा होगा, बट जी मैं बहुत कम डालूंगा क्योंकि मुझे सिल्वर चाहिए, मैंने बनाना है, वो मेरा काम है, मैं कैसे बनाऊँ ये आपका काम है। आप सोचोगे मैंने कहीं से नहीं सीखा, मेरे पास इतने क्लाइंट्स आए हैं, वो कहते हैं कि आप कितनी दफ़ा बाहर जा चुके हैं। मैं कहता हूँ इसलिए मैं लिखता हूँ हर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ट है ट्रांसफॉर्मेशन इन पाकिस्तान, क्योंकि मैं एक दफ़ा भी बाहर नहीं गया, मैंने यहीं सर्च की, मैंने यूट्यूब देखे, मैंने सब कुछ देखा और मैंने इस पर सर्च करके मैं खुद ही करता रहता कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। आप कोर्स स्केल के बगैर तो कैसे हो सकता है, मैं एक ग्राम से भी बहुत फर्क, अगर 1 ग्राम ब्लू ज्यादा पड़ जाएगा आपका कलर जो आपको चाहिए वो तो आएगा ही नहीं, कुछ और बनेगा, फिर आपको क्लाइंट को कहेंगे मैम आप 2 दिन लगने वॉश करें फिर ये कलर आ जाएगा, तो वो कहेगी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप, मैं तो आफ्टर भी लेता हूँ, फिर उसको कहूँगा 2 दिन बाद आए और फिर करें, तो जो चाहिए वो उसको दें, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने स्टैंड टेस्ट लेने हैं आप स्टैंड टेस्ट लें, जो कटिंग कराते हैं क्लाइंट्स उन पर ब्लीच लगाएं, एक्सपेरिमेंट करें, हो जाए। आज इंशाल्लाह ना इन 3 कलर से हम करने जा रहे हैं, बाकी अल्लाह बरकत है। जिनके नंबर्स हैं 10 PB, 10 PP, 9 11 10 PB, 10 PP and 9/11 जी जी मैं समझा नहीं, सिकले की है कलर शेयर कर देखना चाह रहे हैं आप, कलर की पिक्चर लेना चाह रहे हैं, इसको जूम कीजिएगा, नेशनल का कलर होने जा रहा है 9/11, 10 PP, नोट कर ले प्लीज। ये मैं बता देता हूँ 10 PP फॉर पाकिस्तान, वी फॉर विक्ट्री, 10 PP और 10 PP सिंपल है। सिकले का पूरा सही है, पहले हम 3 शेड्स को तो मिक्स कर लें ताकि वो एक पेज बन जाए, ताकि वो आपस में एक कलर बन जाए, उसके बाद आपने उसके ऊपर आपने कलर पर डालना है और उसको मिक्स कर। कैसे ब्यूटिशियन ये पूछना चाह रही है आपने ऐश के टोन में जो वॉलेट टोन दी है वो किस लिए दिया है, वो भी आप जरा इनको गाइड कर दें, वॉलेट की टोन दी है मेरे ख्याल में ना हम टेक्नीशियन से अच्छे ना ये दुपट्टा रखने वाले हो, गुड कैपिंग बनती है जी इसमें, आप उसको कहा करेंगे तो कैसा ड्रेस होएगा ना, आप कहेंगे इधर से पल्लू ऐसा कर दें, कलर इधर से ऐसा कर दें, आप 5 मिनट में अपने सामने करवाएं ना वो 4-5 पाउडर डाल रहा होगा, क्योंकि उसने अचीव करना है और उसने आपको उस ड्रेस जैसा कलर देना है जो 20,000, 1,00,000, 10,000 का है, हमसे अच्छे वो टेक्नीशियन है क्योंकि वो उसको कलर की मिक्सिंग आती है। इसी तरह मैंने जो मेरी क्लाइंट बोली थी ना ऐसा कलर चाहिए कंसल्टेशन उसके मुताबिक, तो मैं वॉलेट इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इनके बालों में कर रहा हूँ येलो है, येलो लेवल पे है ना, तो जो वॉलेट होता है वो येलो को थोड़ा सा कट करता है, न्यूट्रलाइज करता है, फिर ठाकुर के ऊपर तब 9/11 ऐश आएगा, 9/11 फिर वेट है, इसके अंदर अभी 9/11 वेट कर रहा है कि जब तक वॉलेट जो है ना वो बैठेगा नहीं मैं ऊपर काम नहीं करूँगा, अगर उसने डायरेक्ट ऊपर काम कर दिया तो मटैलिक हो जाएगा आपका, तो सारा फोकस उसकी बात पे कीजिए प्लीज, इसलिए
अगर ऑरेंज है तो ऑरेंज के ऊपर तो आप सिल्वर नहीं बना सकते ना, क्योंकि ऑरेंज के ऊपर जब आप उसको सिल्वर बनाने की कोशिश करेंगे वो ब्राउन बनेगा, वो दोबारा वापस आएगा फोर लेवल पे। जी जी मैम, मेहंदी वाले बालों का भी हल है, आप प्लीज़ उसको एप्लीकेशन करने दें, आपको सारी थ्योरी देके जाएंगे। ठीक हो गया, हमें पता है आप लोग अपना बहुत ज़्यादा कीमती टाइम लेकर आए हैं और इंशाल्लाह आपको प्रॉपर नॉलेज दिया जाएगा। सॉरी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मैं आपके पास माइक भिजवा दूँ। मैं आ जाता हूँ, दे दे माइक दे दे जी। ये देखें, मैं असरफ आ गया। अभी हम ये चाह रहे हैं कि एक दफा इन्हें एप्लीकेशन करने दें, आपके जो क्वेश्चंस हैं सब होंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसा कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कैसा, अभी आपने जो मिक्सिंग हमें बताया है, ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में डेफिनेशन से बताएं, जरा तफसील से बताएं, क्योंकि हम ब्यूटिशियंस हर उस लेवल के ऊपर काम कर लेते हैं। देखिए 9 लेवल 10 लेवल 11 लेवल तक आ जाए, सबसे बड़ी मुश्किल यही बात होती है एनालाइज करना। हाँ, हमें अभी तक यही नहीं पता होता कि हम जब प्री लाइटनिंग गर्डन कर लेते हैं कि वो 8 लेवल पे कि 7 लेवल पे, सच में नहीं पता चलता। हम 7 लेवल पे स्टॉप कर देते हैं, हम समझते हैं बस ये 9 लेवल है भाई, जब उसमें हम काम करते हैं वो बनता ही नहीं। वो आपकी बात है, एनालाइज पहले आप इसलिए स्टैंड टेस्ट आप बजाय किसी क्लाइंट पर कर लेते हैं, यकीन करें कि अभी भी स्टैंड टेस्ट करके उसके ऊपर ऐश बना के 5 से 6 किस्म के अभी भी इस कंडीशन में, और इधर अभी भी जो आपके सामने खड़ा हूँ तब यहाँ आपके सामने डेमो कर। आप सबसे पहले क्लाइंट के ऊपर तजर्बे करने से पहले स्टैंड टेस्ट लें। बहुत सी क्लाइंट्स आती हैं जो अपनी चुड़ियाँ कटवा रही होती हैं या वो अपने बाल शॉर्ट करवा रही होती हैं, वो अपने बाल रखें उनके ऊपर हर लेवल की ब्लीच करें, उसके ऊपर फिर वही एक पेस्ट लगाएं 3-4 लेवल्स पे, ऑरेंज पे लगाएंगे वो क्या बनेगा, 7 लेवल पे लगाएंगे वो क्या बनेगा, 8 लेवल पे बनाएंगे, एक ही पेस्ट लगाएं 3-4 स्टेप पे, आपको पता चलेगा, फिर आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा, आप क्लाइंट को बताओगे कि नहीं ये 6 लेवल पे तो नहीं आएगा, 6 लेवल पे हाँ मैंने किया था स्टैंड वो तो ब्राउन बन गया था। ब्राउन कैसे कलर बनता है? ब्राउन इन चीज़ों से तो बनता है, रेड से, येलो से, ब्लू से। अब ऑरेंज लेवल पे जब आप ब्लू डालेंगे और एक्स्ट्रा ब्लू डालेंगे साथ कहेंगे कैंसर ने वॉलेट भी कहा था, जब वो आप वो डालेंगे क्या बनेगा, वो तो अगेन से ब्राउन बन जाएगा, वो तो ऐश कभी भी नहीं बनेगा। और सबसे पहले जब आप स्टार्ट करें तो आप बैक से करें स्टार्ट, क्योंकि अगर आपका बैक से कलर स्टार्ट मतलब आना स्टार्ट हो जाएगा तो इजी होगा आप क्लाइंट को वॉश पॉइंट पे लेके जाके बैक से आप रेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम बैक से पहले स्टार्ट करेंगे तो बैक से ही पहले रेंज कर लेंगे। अगर टाइम होएगा तो हम ग्राउंड को 5 से 10 मिनट्स और देने के बाद में हम उसको रेंज कर सकते हैं। फिलहाल तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, किन का? अगर आपको है कि आपने 10 लेवल जो है ना सही वाला अचीव कर लिया है तो आप वॉश पर भी कर सकते हैं, ड्राई भी कर सकते हैं, वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ग्लॉसिंग हो रही है आपके बालों, क्लाइंट के बालों का जो क्यूटिकल है वो ओपन है, आप कलर को डिपॉजिट कर रहे हैं रिजल्ट दे रहे हैं। न्यूट्रलाइज नहीं किया है, ये सिंपली ब्लीच के बाद ये बाल है। क्लोज तो मैम 10 बॉलों के साथ होता है ना? Again, आप रिपीट करें। ठीक है,
30 वॉल्यूम से नहीं हो रहा बात, तो यू आर गोइंग टू अप्लाई 40 वॉल्यूम. व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग प्रोफेशनली सिंस इयर्स, सो आई गेट टू नो कि जब बात 30 वॉल्यूम से नहीं हो रहा तो नेक्स्ट यू आर गोइंग टू यूज 20 वॉल्यूम. नो नो, आपकी प्रीराइटिंग 30 वॉल से नहीं हो रही. When you came here, you mentioned कि जब बाल 30 वॉल्यूम से नहीं हो रहा तो आप 40 वॉल्यूम अप्लाई करेंगे बालों को कट डाउन करने के लिए. अगर आप ट्रीटमेंट नहीं डाल रही उसके अंदर तो उसके लिए तो 20 की बहुत है, हो जाता है. अगर आप ट्रीटमेंट डाल रहे हो तो ऑफकोर्स आप 40 से आराम से बच सकते. 30 के बाद 40 नहीं यूज किया जाता, ठीक है? अगर आप ट्रीटमेंट डालोगे तो, अगर ट्रीटमेंट नहीं है तो 30 से ऊपर कभी सोचेंगे. 30 के साथ कट डाउन करने के बाद लेवल आ जाएगा आपका 7 लेवल से आपका बाल आगे नहीं जा पा रहा तो फिर आप 20 के साथ काट करेंगे, कभी 40 नहीं यूज करते. क्यूटिकल ओपन हो जाता है, क्यूटिकल ड्राई हो जाता है, हेयर आपका ब्रेकेज पे चला जाता है. तो आपने लेवल नीचे ले आना, उसको 20 के साथ करेंगे तो वो चला जाएगा. आपकी ये जो आपने की है, ओके, ये किस लेवल? ये 10 लेवल है. 10 लेवल जो है ना, इनका 8 लेवल भी है क्योंकि मुझे थोड़ा सा दिखाना है डार्क टू लाइटर दोनों में मिक्स शेड. 8 और 10 कुछ है ना, व्हाइट तो पूछेंगे कि कौन से वाला है. अच्छा, मैं आप सबकी मुश्किल थोड़ी सी आसान कर दूं. मोबाइल अगर आप रख ले तो यहाँ पर ये कैसे भाई कवरेज कर रहे हैं एच डी कैमरा 4K वीडियोग्राफी के साथ. ये टोटल सारा इनके पेज पे यूट्यूब पे आप इजीली पूरी क्लास की जो कवरेज है आज की, आप स्पेशली कैसे फ्रोज भाई की जितनी प्रेजेंटेशन है यहाँ पे, आप इस सबको लाइवली प्ले पॉज करके रीच एवरीथिंग नोट कर सकते हैं. ओके, तो ये मैं दोबारा फिर माइक इस तरफ दे रहा हूँ. काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनके लिए जरा क्लैप करते हैं, थोड़ी सी ज्यादा करते हैं. मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम 10 लेवल पे पहुंच जाते हैं तो हमारा जो क्यूटिकल है वो ओपन हो जाता है और उसके बाद हमारे बाल जो है वो बिल्कुल डेफिनेटली वो टूटना शुरू हो जाते हैं. हम लोग 10 लेवल को विदाउट ट्रीटमेंट आगे कैरी ऑन नहीं कर सकते. आप अगर हम इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, ठीक है? पूरी दुनिया में हर चीज के एक असूल होता है, उसको हम ट्रीटमेंट के अलावा आगे लेकर नहीं चल सकते. अगर मैं कैसे भाई को भी बोलूँ कि आप इधर खड़े होकर कोई भी बर्जेट हेयर्स ले लें, वो या कोई ट्रीटेड हेयर ले लें और उनको आप काम करें विदाउट अपने उसके काम आगे नहीं बढ़ा सकते. तो हमें ये बताएं कि जब आपका एक लेवल आप जब उस पर अचीव करते हैं, यहाँ पे जबकि बच्चियाँ जाके घर पर करेंगी वो बाल डेफिनेटली फट जाएंगे और जब वो फट जाएंगे तो क्लाइंट तो डेफिनेटली इनके सर पे पड़ जाएगा ना. वो आप 20 वॉल्यूम से ऊपर नहीं जाते, बेशक आपको 18 घंटे लगे, बेशक 20 घंटे लगे, यू हैव टू वेट फॉर इट कि वो स्लोली और ग्रेजुअली जो है ना वो आगे जाए काम आपका. तो मैं ये चाहती हूँ कि ये जो काम जिससे करते हैं इनको बिल्कुल वैसे बताना चाहिए ताकि ये बाकी के लोग भी वो काम कर सकें. थैंक यू वेरी मच. मेरे क्वेश्चन थोड़े से हार्डर सब जरूर है लेकिन मेरी इन बहनों के लिए ताकि इन लोगों का काम हो जाए, इनको समझ आ जाए. थैंक यू सो मच. मैं वापस उसी बात पे आ रहा हूँ जिस पे मैं था. कैसर गुजर खान, आप यूट्यूब पे इनकी साइट है कैसर गुजर खान के नाम से, जहाँ पे आप ये टोटल आज की क्लास जो है जो हो रही है आप उसकी लाइव वीडियो वगैरह जितनी भी होगी कवरेज की वो आप प्ले पॉज करके कोई चीज़ नोट करना चाहिए हम सारा कर सकते हैं. जी ब्रदर, वही बात के क्लाइंट का अगर बाल फ्रिजी है तो आप तो उसको इतने खास सोने ना दिखाएं ना, आप उसको बताएं, सच बताएं. डैमेज होंगे, ब्रेकेज होएगा आपका. जिसने पैशन बंदी नहीं करना आपकी क्लाइंट नहीं, उसने उसको मेंटेन करना है. अब मेरे पास एक क्लाइंट आती है, वो दूसरे दिन ही सलोन होती है. आपने क्लाइंट से मस्त पूछना है आप जॉब करती हैं, क्या करती हैं, फ्री होती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, घर पे होती हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं. आपने उसकी लाइफ के बारे में पूछना है, आपने उसका फ्रेंड बनना है, उससे पूछेगी तो आपको पता चलेगा कि वो मेंटेन कर सकती है या नहीं. अगर वही किसी मॉल में काम कर रही है, वो जॉब है, जॉब करती है वो, आप उसको रिकमेंड करेंगे कि आप थोड़ा सेटल में आए ना, आप सिल्वर इतने हाई फाई कलर में ना जाए क्योंकि उसके लिए वो फैशन से ज़्यादा आदाब बनेगा. अगर उसके बाल फ्रिजी हैं तो फ्रिजी बाल नेचुरली तौर पे फटा हुआ बाल होता है, उसकी क्यूटिकल वैसे ही उड़े हुए होते हैं, ओपन होते हैं. जब आप उस पर 20 भी डालेंगे तो नॉर्मल वो 40 के बराबर ही होगा. तो आप उस बालों पर नहीं करेंगी ना, आप मोस्टली उन बालों को चुने जिनके बाल सिल्की हैं, नॉर्मल हैं, वेवी हैं, आप उन पर बहुत अच्छा कर सकती हैं. चाहे उनका कलर हुआ है, चाहे उनका 10 पहले कलर हुआ है, बट आप कर सकते हैं. आपको पता है उसके अल्लाह ताला ने उनको
बाल जो एक बने हुए हैं नेचुरली तौर पर उनका क्यूटिकल लॉक हो जाता है। अब गर्ली बालों का ऑलरेडी क्यूटिकल ओपन होता है, आप कौन सा 20 वॉल्यूम से भी जादू कर देंगे कि कलर भी हो जाएगा और क्यूटिकल ही बंद हो जाएगा 8 घंटे के बाद। तो ये तो आपको खुद एनालाइज करना है, ब्यूटिशियन हम हैं, डॉक्टर हम हैं कि कर्ली बाल जो है हम जब ब्लो ड्राई करते हैं तो बाल वही कर्ली बाल सिल्की कैसे हो जाता है, क्योंकि हीट की वजह से क्यूटिकल लॉक हो जाता है, शाइन आ जाती है। क्लास का मतलब है यहाँ बताना, आपको एक वे बताना, बाकी आप तो आपके पास में भी इस तरह की क्लाइंट ना हो जैसे मेरी मॉडल बैठी है, इस तरह का लेवल ना हो जो इस तरह हजारों क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास, कम से कम 10-15 तो आते ही हैं दिन में। तो आप अगर 1-3 मंथ्स भी आप सही सर्च के साथ लगाएं ना तो आप सही मास्टर बन जाते हैं, क्योंकि आपके पास डेली पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं आप डेली आपसे 10-15 लोगों के बालों के साथ खेल रहे हैं, देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, फील होता है। आप क्लाइंट को कहें आंखें बंद करें, आप ऊपर वाला बाल बेबी हेयर है चाहे कर्ली हेयर है, दवानगी से आपकी फिंगर आएगी, आपकी फिंगर जिद करती है, नीचे टैंगल्स पड़ते हैं, जिसकी अगर क्लाइंट बिफोर आपके पास बैठा चेयर पे और उसके लेफ्ट हैंड्स में आपकी फिंगर जिद कर रही है, नहीं निकल रही, तो उसको बताएं आपका बाल डैमेज होएगा, टूटेगा। जिसने कराना है उसने कराना है, उसको ये भी बताया था ये प्रोडक्ट्स भी रहेगी, वो मेरी क्लाइंट जिसका वो मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन लेके आई है उसका लिविंग स्टाइल ऐसा है, अगर आपका भी वैसा है वो आपको पता होगा, उसका मैच और होगा तो अफकोर्स उसको करें आप, अगर नहीं होगा तो आप उसको बताएं इससे थोड़े और किसी और फैशन शेड्स में चली जाएं और टेक्निक्स में चली जाएं, आप उसको फिर टेक्निक इतनी हाई पर ज़्यादा आप उसकी ब्लीच ना करें, उसको सिर्फ हेयर लाइन कर दें उसकी, जैसे यूनिवर्सिटियाँ लड़कियाँ में जाती हैं उसको ऊपर से आप ना करें, तो ये आप भी डिपेंड करते हैं आप उसको और कितना खूबसूरत बना सकते हैं। मैं कैसे भाई की बात को आगे लेके जाता हूँ कि आप एक डॉक्टर भी हैं, मैंने पहले बात की कि आप एक आर्टिस्ट हैं, आपने क्रिएशन करनी है, आपने अपनी बात को अपने तरीके से अपनी टेक्निक से मनवाना है। अगर कहीं किसी जगह पे आप फील कर रहे हैं कि ये इरिटेट होगा मेरे लिए भी है, मेरे लिए करना कुछ मुश्किल होगा, आप तजर्बा ना करें, एक्सपेरिमेंटली अपने एक्सपीरियंस को आगे रखते हुए आप काम जरूर करें, बट कुछ इस तरह का कि जैसे बस उन्होंने किया तो मैंने भी ये करना है, बेशक आपको उसके बेसिक्स नहीं पता तो आप कुछ इस तरह का, बल्कि आपने डील करना है उस चीज को प्रॉपरली। कैसे भाई के लिए जोरदार तालियां बजाएं इस बात पे। मैं सबसे पहले रूट्स लगाता हूँ, कोई भी टेक्निक करता हूँ मुझे पता है मेरे रूट्स, मैंने सबसे पहले मिड बैंड रूट्स मैंने 3 इंचेस तक वो लगाया क्योंकि मैं लेंथ एंड हेंस भी नहीं लगाया, एक जैसा रिजल्ट आता है, आप गीले में कर लें आप टाइम में कर लें। सबसे पहले तो मैं आपको टिकटॉक पे बहुत अच्छे से फॉलो कर रही हूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा सीखने से ज़्यादा आपसे मिलने की बहुत खुशी है। इसके अलावा मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जो भी कलर लगाएं ना तो मतलब वो ज़्यादा ब्राउन में और गोल्डन में ही है, चाहे हम जो भी अप्लाई करें अगर आप हमें इस चीज़ में गाइड कर लें मतलब एग्जैक्टली वो बता दें कि हम और इसको कैसे वो कर सकते हैं उसका पेमेंट। आप डायरेक्ट की बात कर रही हैं या कटडाउन के बाद की? क्योंकि आप फ्री डाइट नहीं, उसका जो कार्टन है ना वो सही नहीं करती, और ही ऊपर लेके जाएं। आपको पता है जब आप पैकेट लगाते हो 20 के साथ ही लगाते हो आपका विदिन, मेरा तो आधे घंटे में ऑरेंज तक पहुंच जाता है, ऑरेंज से 7 लेवल पे एक लेवल पहुंचने में फिर वो थोड़ा सा डबल टाइम लेता है, 7 से 9 लेवल पे पहुंचने में मुझे तो 3-4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि खट्टा येलो निकालना बालों से तो मुश्किल है, ब्राउन से ऑरेंज बनाना तो बहुत आसान है, ऑरेंज को आराम से आ जाता है, ऑरेंज से तो आगे ही कहाँ है, वही कह रहा हूँ ऑरेंज को निकालना, ऑरेंज को ख़त्म करना, बालों से ऑरेंज को निकालना। तो आप कटडाउन की बात कर रही हैं ना कि तब तक आप ऑरेंज को नहीं निकालेंगे तो आप तक नहीं आएगा, वो जब भी करेंगे गोल्डन और ब्राउन बनेंगे। ऑरेंज का न्यूट्रलाइजर जो है जैसे ये 9-1-1 है उसमें फिर डार्कर होएगा। अगर आप कोई भी शेड कार्ड उठाते हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी कलर का एक राउंड बना होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं? ग्रीन, ब्लू, वॉलेट। सेकेंडरी कलर कौन से हैं जो आप जी 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 जी
मैंने माइक्रोएक्स बेबी लाइट्स मिक्स किए पहले, सबसे पहले वही किए, उसके बाद फिर मैंने बालाज टेक्निक किया, जब फुल हैंड बेबी लाइट्स मैंने लगा दी। थैंक यू सर। मैम आप साइड पे हो जाएं। लेकिन हमारे पास कोई कंपनी आती है, आपके पास तो साथ खड़ी हूँ, तो हम कैसे जज कर सकते हैं कि ये मेटालिक शेड है या सिंथेटिक कलर है? नहीं, अगर आप कलर करती है ना तो वो आपको क्लीन हो जाता है। सर कैसे, थोड़ी सी फीलिंग आप अगर एक्सप्लेन करें। हाँ, फीलिंग तो वही बात है कि बयान जाता है उसकी पैकिंग से, उसके वैसे स्टाइल से, उसके शेड्स हैं, कंपनी का भाई। हाँ, जो हमारे पास तीन प्रोडक्ट जैसे कि स्प्रे, ठीक है, आप किसकी फ्रेग्रेंस से, आप किसके फ्यूम से फील होगा कि इसमें, नहीं जो याद नहीं, जो नया नया टेक्नीशियन है ना उसको तो फिर अपने उस्ताद से पूछना चाहिए, जो सैलून में होगा। अब तो सीनियर वहाँ पे होते हैं, तीन तो डील वही करते हैं, और हर कंपनी सीनियर सैलून जो में जो सीनियर होएगा उसी के पास जाएंगे, उसी को कहेंगे हमारी कंपनी है ये एसेंट है, तो उसको ट्यूब के ओपन करने से ही फील हो जाएगा, फ्रेगनेंस से फील होगा, कलर कैसा है, फिर वो ट्राई करेगा आपको, उसको दो तीन ट्यूब ट्राई करेगा कलर के, वो आ रहा है नहीं आ रहा। नहीं पैकिंग पे ना जाए, नहीं नहीं सॉरी आपको उसका स्टैंड टेस्ट लें, पैकिंग पे तो ना जाएं, आप उसका आप उनसे कहें दो तीन ट्यूब दे दें, आप स्टैंड टेस्ट पे ब्लीच लगा के टेस्ट करें, हमारी ब्यूटीशियन को आज क्या बता रही हैं, बना नहीं रहे हम कलर को, उसका रिजल्ट देख रहे हैं ना, स्टैंड टेस्ट तो नहीं है हम कि हम उसको फील करेंगे कैसा है और कैसा नहीं है, बट हम उनसे लेके खुद ट्राई कर सकते हैं कि इससे कितना डैमेज हो रहा है, क्रीमी है नहीं है, माइल्ड है, प्रेगनेंस कैसी है, बहुत हार्श तो सॉरी मैम, जो प्रोफेशनल ब्यूटिशियंस होती हैं उनको पता चल जाता है कि मेटालिक का है, अगर बहुत अच्छा आसान हल उन्होंने आपको बताया एक स्टैंड ट्राई कर ले, अगर आप एक स्टैंड नहीं ट्राई करना चाह रहे तो एक छोटी सी लट ले उसको ट्विस्ट करें, सॉरी मैं आपको बता रही हूँ, ट्विस्ट करें, ट्विस्ट करने के बाद उसको थोड़ा सा सीजर के साथ रब करके देखें कि उसके ऊपर कितनी कोटिंग है, वो डी कलर हो सकता है कि नहीं हो सकता, बाद अगर स्ट्रॉन्ग कोटिंग में है तो फिर ब्रेकेज पे जाएगा। अस्सलामुअलैकुम सर। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्योंकि हम आपके बहुत फ़ैन हैं, डेफिनेटली वी आर हियर, हम रेगुलर बेसिस पे हम आपके वीडियोस को भी देख रहे होते हैं, वी आर रियली इम्प्रेस फ्रॉम योर हेयर कलरिंग, तो आप क्या मुझे ये बताएंगे कि जो आपने ये जो हेयर कलर अपने खुद के बालों में किया हुआ है, इसमें कौन से कलर्स आपने यूज़ किया और इनको यूटिलाइज करने के लिए? ये जो मैं कर रहा हूँ ना मैच कर लीजिए गाइस के साथ मेरे बाल के, इन्हें टोन आ जाए। तो सर क्या आपने इसी कंपनी के कलर यूज किए थे या किसी और ब्रांड के? मैं तो बहुत ज़्यादा करता रहता हूँ, मेरे पास ठहरों पता नहीं दिन में कितने आते होंगे, बट जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसी को ट्राई करता हूँ, मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे बालों की हेल्थ चाहिए, अगर बालों की हेल्थ कट डाउन के बाद आप रिलाइटनिंग के बाद आप अभी ये लगा रहा हूँ आप फील करेंगे कि बालों में शाइनिंग कितनी है, बालों में रिजल्ट कैसा आया है, मतलब सिर्फ ये तो नहीं है कि आपने ऐश बना दी और उस कंपनी ने आपके बालों को आधा आपने काम कर दिया आधा उस पर काम कर दिया। ओके सर, मेरा एक और क्वेश्चन भी है कि समटाइम कुछ लोगों का पिगमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग आ जाता है, लाइक 8 लेवल से आगे हमारे बाल नहीं जा रहे। नहीं, आप उनका स्टैंड टेस्ट ले लें पहले, अगर वो आए क्लाइंट कहती है हमारे पास टाइम नहीं है, गेन ये 3 घंटे में सब कुछ हो जाए, उन्होंने कहा या तो 3 घंटे में आप तबाही करवा लें या 1 दिन सबर करके 9 घंटे बैठ के आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करवा। जस्ट इमेजिन कि हमारे पास एक ऐसी क्लाइंट आती है जिसने ऑलरेडी किसी और फोन से 8 लेवल का कट डाउन किया हुआ है और वो ऐश की डिमांड करती है, तो कैन वी डू दैट या हमें उसके अगेन ब्लीचिंग करनी चाहिए? ऑफ कोर्स आपको करनी पड़ेगी, जो आपके पास ऑलरेडी क्लाइंट लेके बाल आ रही है वो बहुत कम बाल होता है, जो 9 लेवल पे ऐसे कट डाउन करके घर से तो कोई नहीं आता, तो आपको उसके अपने हिसाब से डिज़ाइन करके देना है, उसको बताएंगे कि आप ग्लॉस करेंगे तो आपका जो ये थोड़ा लाइट लग रहा है ना आपको कलर ये सेटल हो जाएगा, क्योंकि ऐश जितनी भी टोन्स होती हैं वो लाइट के अंदर रिफ्लेक्शन को जस्ट कर लेती हैं, आपको इतना रिप्लाई में वो नहीं आता। आप 8 डबल 1 देख रहे हैं, 9 डबल 1 देख रहे हैं और 8393 देख लें जिसमें गोल्ड है, गोल्ड दूर से ही आपको रिप्लाई देगा, गोल्ड
दूर से पता चलेगा वो ये लाइट कलर है, एक्चुअली वो तो एक टोन डार्कर कलर है। ऐश कलर नाइन लेवल पे भी करेंगे तो आपको सेटर लगेगा, सॉफ्ट लगेगा, आंखों को चुभेगा नहीं, अच्छा लगेगा। अगर आप ब्राउन ऑरेंज लेवल पे भी उसका गोल्ड करेंगे तो दूर से भड़कता हुआ चीखता हुआ कलर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो गोल्ड चीज़ है, वो लाइट के साथ और भी मिक्स होकर आपको डबल रिप्लाई कर रहा है। आपको क्लाइंट को लगेगा वो मेरे पास तो पहले लाइट थे, आपने डार्क कर दिए। आपने ये क्लाइंट को पहले बताना है कि अभी आपका बाल गोल्ड है इसलिए आपको लाइट लग रहा है, बट एक्चुअली ये लाइट नहीं है। हम जब ऐश करेंगे तो ऑरेंज लेवल पे जब आप यूटिलाइज करते हो, समटाइम क्लाइंट ग्लॉसिंग के लिए आती है, तो जब आप ग्लॉसिंग करोगे आपको पता होना चाहिए। क्लाइंट को तो बाद में पता चलेगा जब वो एक केस हो जाएगा कि आपका बाल ऑरेंज है, जब हम इसको न्यूट्रलाइज करेंगे आप ऑरेंज नहीं चाहते तो ये लाइट नहीं रहेगा। वो आपको पता है कि एक्चुअली अंदर से लाइट है बाल, बट जो दिखता है ना वही क्लाइंट को तो नजर आएगा। तो ऑरेंज को जब आप न्यूट्रलाइज करते हो तो वो ब्राउन ही बनेगा। सर मोस्टली ऐसा होता है कि हमारा कलर ऐश ग्रीन की तरफ ट्रेवल कर जाता है एंड टू थ्री वॉश के बाद दोबारा से क्लाइंट के गोल्डन बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, येलो या गोल्ड पिगमेंट निकलता है, उसके क्या रीजन है? लाइक वन मंथ तो स्टे करना चाहिए ना, 10 वॉल्यूम अगर डबल रेशियो या सिंगल रेशियो के साथ। मेरे पास ना मेंस आते हैं कलर के लिए, आप नॉर्मली भी ब्राउन कलर 5 नंबर 4 नंबर लगाते हो ना तो 3 हफ्ते बाद 1 मंथ के बाद उनको कटिंग के लिए आते हैं, जो शॉर्ट रखते हैं अपने हेयर, जो हमने उनका डार्क ब्राउन किया होता है ना 1 मंथ के बाद जब वो आते हैं लाइट ब्राउन तो वो भी बना होता है। परमानेंट कलर होते हैं बट ये वॉश आउट होकर इन्होंने लाइट ऑन होता है, जो हमारे सरफेस के ऊपर कलर होता है उसमें तो वॉश के बाद निकलना है। तो आपका जब 24 लेवल पे पड़ता है तो आपका जो बाल है वो 6 लेवल पे चला जाता है, बेशक आप उस पर कलर 5 नंबर लगा रहे हो, अंदर से बाल 6 नंबर पे है, आपका कलर रिफ्लेक्शन दे रहा है 5 नंबर उसे। कब तक देना है? 2 वीक्स तक 3 वीक्स तक, उसके बाद एक्चुअली जो कलर है 6 लेवल का वही नज़र आएगा। तो मेरे पास मेल आके कहता है ये थोड़ा लाइट हो गया, इसको और डार्क कर दो, तो हम उसकी ग्लॉसिंग कर देते हैं अगेन से, मतलब 1 मंथ के बाद जब वो आते हैं। जब आप येलो भी करोगे अगर आप ऐश बनाओगे तो आप बताओ कि हम ज़बरदस्ती बना रहे हैं ऐश, हमारे बाल ऐश नहीं है। और 4 नंबर से लेके आप 9 नंबर तक जा रहे हो 8 घंटे लगा के, मतलब आप पाकिस्तान को यूके बना रहे हो। तो ऑफ कोर्स आप जब काबू की दुनिया दिखा रहे हो उसको मेंटेन भी करना है, उसको आप सब कुछ सच बताओगे, क्योंकि आप जब बताओगे तो आपकी क्लाइंट आधी टेक्नीशियन खुद ही बन जाएगी, उसको पता हो कैसे मेंटेन करना है। जैसे मुझे कहते हैं आप कैसे 15 साल से मेंटेन कर रहे हैं, इसी तरह आप क्लाइंट को भी नॉलेज दें ताकि वो घर पे मेंटेन करे। आपके लिए आपकी क्लाइंट फ्री की एडवर्टिजमेंट है, वो जहाँ जाएगी अगर उसके बाल अच्छे लग रहे इसलिए 10 क्लाइंट करने से आप 10 के बाल चलाने से अच्छा है आप एक कलर कर लें और एक ही क्लाइंट कर लें ताकि वो जहाँ जाए वो 10 क्लाइंट आपके और बने। सर एक आपकी लास्ट क्वेश्चन मेरे ये है कि क्या डेफिनेटली मेरे पाकिस्तान में बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हम ब्लीचिंग कर रहे हैं, तो क्या आप कोई अपने फेवरेट जो हम तमाम ब्यूटिशियंस को रिकमेंड करें कोई ऐसा ब्लीचिंग पाउडर जो आपकी तरफ से हमें रिकमेंडेड हो और आपको बहुत पसंद है? मैंने सिंपली यूज़ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा इनका, बहुत मायल इनकी। आप जब डेवलपर भी ओपन करते हो आपको फ्रेगनेस इतनी अच्छी आती है, आपको फील होता है, आप जब मतलब मिक्स करते हो उसके साथ खेलते हो, मुझे बहुत अच्छा। थैंक यू भाई। Loud clap for Sikle. Jodar taaliyon se aap sabko. Any question? Mein aap kya? Ek minute mein kafi der se mujhe call hai. Ji respected sir, se mera question hai ki sir ne bola mujhe 3 to 4 hours lag jate hain lifting karne mein, to usne mujhe bataya ki aap uski reapplication karte hain ya single application mein aap 4 hours wait karte hain? ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ गया और उसने 4 नंबर लगा दिया और वो बहुत, आप उसकी हिस्ट्री भी तो जानोगे, उसके साथ बात करोगे, आपने लास्ट हाइलाइट्स कब कराई, आप वीक में एक दफ़ा रूट टचअप अब करवाती हैं, साल में एक दफ़ा आप कलर लेती हैं, आप उसकी हिस्ट्री जानोगे पहले, बात करोगे पहले, कलर स्टार्ट करने से पहले, लुक उनकी जानने से पहले। अगर आपको हिस्ट्री उसकी नहीं पता, मे बी उसने 1 वीक पहले हाइलाइट्स की हों, उसको अच्छा ना लगा हो, उसने डार्क कर दी हो, 5 नंबर आपके पास आ गई हो, आपके हाँ बस बाल तो 5 नंबर किए हैं, अच्छा ये लगाएंगे ऐसा हो जाएगा वैसा, आप उससे पूछें। हेलो, ये मैंने इस मॉडल पे ये वाली ब्लीच यूज की है सिक्ले और बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और बहुत आप जो टेक्नीशियन है उनको खुद ही फील हो जाता है जब आप यूज़ करते हो कि हाँ मेरे हाथों में एक अच्छी प्रोडक्ट आई है और अच्छा रिजल्ट आया। मेरी तमाम सिस्टर्स से रिक्वेस्ट है कि हम लोग उनका काम देखने के लिए आए, बेशक आपका क्वेश्चन कीजिए लेकिन
हम ये चाहते हैं कि वो खुद अपने से बताएं कि वो क्या काम कर रहे हैं, बजाय इसके कि उनको बार बार हम डिस्टर्ब करें, क्वेश्चन करके उनके काम को रोकें। ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलत काम है। हमें चाहिए कि हम उनको देखें कि यार वो क्या काम कर रहे हैं, वो शख्स किस तरह से उसको इम्प्रोसीफाई कर रहे हैं, किस तरह से उसे उसकी एप्लीकेशन कर रहे हैं, किस तरह अपनी फिंगर से वो उसको मर्ज कर रहे हैं कलर को, वो खुद बताएं कि उन्होंने क्या कर रहे हैं, वो किस तरह कर रहे हैं, क्या पार्टीशन किया उन्होंने, उन्होंने क्या उसमें डायरी यूज़ किया। हमें नहीं पूछना चाहिए उनसे, इस वक्त हमने उनसे नॉलेज गेन करना है, ना कि हम उनको बताएं कि हमें ये चीज़ें आप बताएं। यार उनकी चीज़ें देखो कि वो क्या कर रहे हैं, उनको क्वेश्चन कर करके इतना डिस्टर्ब कर दिया कि बेचारा खुद ही इस वक्त उनका देखें कि वो हमें बताएं, कोशिश करें कि वो हमें बताएं कि मैं क्या कर रहा हूँ। अपने क्वेश्चन अभी थोड़ी देर के लिए रोकें और उनसे देखें कि वो क्या कर रहे हैं। थैंक यू, बुरा ना मानिएगा प्लीज़ कोई भी। और जब भी आप इनिएट करते हैं कलर्स, तो आपको ये पता होना चाहिए ये कोई एक ट्यूब एक नंबर नहीं होता कि आपने उठाया लगाया और ऐश आ गया, स्मूथ किया गया। कोई भी डिज़ाइन जो आप देखते हो उसके पीछे आपका जो प्रीलाइटिंग करने का स्टाइल है, जो वीविंग करने का स्टाइल है, जो आपके हर बाल को उठाने का स्टाइल है, वो सारा मैटर करता है एंड के रिजल्ट पे। तो वो उसमें सब उस डिज़ाइन की रिफ्लेक्शन आ रही होती है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने 7-1 उठाया है तो अच्छा जी वो लगा दिया, मे भी मेरे जो सेक्शन ये थे, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लेता हूँ तो क्या रिजल्ट आता है, नेचुरल बाल कहाँ फॉल करता है, क्लाइंट का टाई रखती है ओपन रखती है, ये वाला बाल नेचुरली फॉल यहाँ पे कर रहा है तो मुझे यहाँ पे अगर डैंगल लूँगा तो ये कैसी लाइन नीचे गिरेगी, हॉरिजॉन्टल जहाँ पे लूँगा तो कैसी लाइन नीचे गिरेगी फ्रंट पे हॉरिजॉन्टल। ये आप लोगों को अगर सलून में डमीज हैं तो उस पर आपने ट्राई करना है। यहाँ पे तो सिर्फ आपको एक वे देंगे कि आपने इस पे चलना है, बाकी तो आप लोग मे बी 1 month के बाद आप लोगों में से कोई यहाँ पे खड़ा हो इंशाल्लाह। और आपने साथ साथ ज़रूर आपको पता है जो आपने मिक्सिंग की है और आपके रिजल्ट पे उसने अंडरकोट पे उसका कैसा रिजल्ट आता है, लेकिन आपने 5 मिनट के बाद आपने चेक करना है कितना डीप चाहिए। मोस्टली जब हम ऐश कर रहे होते हैं तो आप पानी भी बालों पे डालें तो ऐसे लगता है जैसे हो कलर तो बहुत अच्छा आता है। जैसे ही शैम्पू करते हैं 2 दफ़ा शैम्पू होता है, फिर जब बाल ड्राई किए जाते हैं तो पता चलता है ओह ये तो स्टिल गोल्डन है बाल, जब कूल ब्लॉन्ड बने हैं अभी तक वो वैसा ऐश नहीं आया। तो आप डरे नहीं, आप सिर्फ जस्ट चेक करते रहेंगे अच्छा अभी लाइट ऐश बालों में गीले बालों में कलर के साथ इस तरह तो देखते, मेरे ग्लव्स पे भी ऐश बन गया तो क्या मैं ग्लव्स को आप वॉश करूँगा तो यहाँ ऐश आ जाएगा। तो जब डेवलपर कलर्स के साथ मिक्स होता है और आपने जो कलर क्रिएट होता है तो डेवलपर का काम उस बाउल में स्टार्ट हो जाता है कलर क्रिएट करना, मतलब वो बंद हो गया। तो यहाँ पे जब होता है तो मोस्टली वो स्टाइलिस्ट डर जाते हैं ओहो आ गया बस आप वॉश कर लें जल्दी से, जब वॉश होता है तो वैसा रिजल्ट नहीं होता। तो आप यहाँ पे जब देखेंगे कि थोड़ा डीप है अच्छे वाला है, क्योंकि आपने 2 times वॉश भी करवाना है, आपने शैम्पू से वॉश हो जाएगा, फिर जब ड्राई होगा तो ड्राई में पता चलेगा कि वो तो इतना ऐश नहीं था। तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इसलिए बार बार कह रहा हूँ स्टैंड टेस्ट लें, बार बार करें उस पर, उसको जब वॉश करें स्टैंड टेस्ट पे भी आईडिया हो जाएगा कि यार ये जब मैं कर रही थी रिजल्ट इसका ऐसा था, जैसे वॉश किया तो ये वो ऐश नहीं बना जितना वो कलर वेट था तो उसको लग रहा था फिर और अगर, तो आप उसको थोड़ा और टाइम दे लें, फिर आपको पता होगा आपने 10 वॉल मिक्स किया है, 20 वॉल मिक्स किया है, उससे कम किया है, उसमें पानी डाला है, उसको और वाइल्ड बनाया है, ये आप खुद कर सकते हैं, आप कलर के साथ खेल सकते हैं कितना चाहिए। अगर आपने कभी ऐसा हुआ है कि 10+ जो 10 लेवल पे, मेरा भी 9 लेवल था, 10 नहीं था, नीचे 8 लेवल था, तो आपको पता है अगर आपका 10 लेवल में बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, ऑफकोर्स आप 10 वॉल में आप वॉल्यूम भी और सॉरी वाटर भी डाल सकते हैं, उसको आप डिल्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आप उसके बालों को इतना ऊपर ले गई हैं कि 10 वॉल भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपने बालों कलर के साथ साथ बालों के pH लेवल पर भी खेल लिया, बालों का pH लेवल आप बीच से इतना हाई ले जाओ, ऑफकोर्स आपने उसको कूल डाउन करने के लिए आप उसको और माइल्ड बना दो ताकि वो बालों को जो चाहिए वो मिल जाए, बाल रिजल्ट में खिलखिलाता हुआ आपके सामने। जोरदार क्लैप, मुझे जोरदार क्लैप। ये देखिए मैं उनकी बात को आगे करता हूँ, कैसे भाई आपकी ये बड़ी बहुत बड़ी बात है, जितना बड़े प्यार से हमें समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि फैज़े नज़र के लिए ज़ब्त सुखन चाहिए, उर्दू आला में है कि फैज़े नज़र के लिए ज़ब्त सुखन चाहिए,
हरफे परेशान ना कह अहले नजर के हुजूर। जब बंदा क्लो में काम कर रहा होता है ना तो वो आपको अपने दिल से ट्रीट कर रहा होता है, समझा रहा होता है। तो जब हम डिस्टर्बेंस करते हैं ना तो एक अच्छा कारीगर ये आप खुद समझते हैं, जब आप खुद भी स्लो में काम कर रही हो तो जो एक अच्छा कारीगर जिसे हम कहते हैं कारीगर बंदा, जो कारीगरी कर रहा होता है आर्टिस्ट बंदा, जब आप उसको डिस्टर्ब कर देंगे वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, वो चीज़ थ्रो ही नहीं कर सकता जो वो करना चाहता है। तो आई वुड लाइक टू से प्लीज जस्ट कीप क्वाइट। और ये बहन मेरी मुझे बार बार इशारा कर रही है 3-4 और 3-5-4 गाड़ी को, इनकी गाड़ी के आगे लगा गया है, तो वो काइंडली अगर आप उसको साइड पे कर लें 3-5-4। और एक बार कैसे भाई के लिए जोरदार क्लैप हो सके प्लीज, जोरदार ऐसे वाली क्लैप इस शोर वाली। क्लाइंट का वॉश का टाइम हो गया, मॉडल का सॉरी, नहीं क्योंकि बार बार मेरा फर्स्ट शो है, मैं हमेशा थोड़ी क्या जाता रहता हूँ अकेडमी में क्लास होते नहीं, लेकिन ये मेरा फर्स्ट शो है। सो मैं अभी भी जो है ना वो क्लाइंट क्लाइंट जो है ना मैं बोल रहा हूँ, अब इनके वॉश का टाइम हो गया, हम इनको वॉश करवा रहे हैं। कैसे कितना टाइम दिया आपने ग्लॉसिंग को बताइए? रूट्स को आई थिंक 35-40 मिनट अभी तक हो चुके होंगे लगाते और साथ साथ आपको बताते, और 20 मिनट साठ लिए इसको दिए होंगे हमने लेंथ एंड एंड्स को। बट आप चेक करोगे साथ साथ, क्योंकि इनके लेंथ एंड एंड्स में 2 लेवल्स थे, 9 भी था 8 भी था, तो इसलिए 20 मिनट दिया। अगर आप कोई 10 लेवल पे जाएगा तो उसका 10